नमोकारो सर्वभावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वे परमं भवैमं मंगलम्। जय जगदीवजो वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगमंदो जय जगप्रियामो वयम्। जय सुयाण बभवीर्थयराण पश्चिमो जय जय गुरुलोकान् जय महावीर। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञान देमिरांधानं ज्ञानांजन शलाकयं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत बहुत धर्मलाभ आशीर्वाद सबको। आज हम खाने न खाने भक्ष्य अभक्ष्य इस विषय के ऊपर एक और चर्चा थोड़ी आगे विचारणा कर रहे हैं। सबसे पहले हमको परमात्मा महावीर प्रभु ने उत्तराध्यन आगम शास्त्र के अंदर विशेष करके दसवें अध्याय में जो जीवों का स्वरूप समझाया है वो पहले हमको समझना पड़ेगा। और इसमें भी आखिर भगवान ने क्यों ऐसा कहा, एक वाक्य में यहाँ लिख लेता हूं, आपको भी जरा उपयोगी रहेगा तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। भगवान महावीर ने ये शब्द कहे हैं, सबको सबसे पहले परमम नानम पहले ज्ञान की आवश्यकता है। आप जिन जीवों के बारे में जानोगे, जीव ऐसे हैं, जीव इस प्रकार के हैं, इतने प्रकार के जीव है, इन जीवों को सबको आप जानोगे तो इसके लिए लिखा है परमम नानम। अब उसके बाद आगे दिया है तओ दया। सर्वप्रथम आप जीवों का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो ही दया पाल सकेंगे। आप ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो दया नहीं पाल सकेंगे। आप कल ये कहो कि हम तो इसमें जीव नहीं मानते हैं तो फिर आप दया पालेंगे नहीं। दुनिया के सब धर्म अलग, देखो क्रिश्चियन धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, हिंदुइज्म अलग है, जैन धर्म अलग। अब क्रिश्चियन धर्म हैं तो ओनली द ह्यूमन बॉडी हैव लाइफ, सिर्फ मनुष्य शरीर में ही जीव माना है, वो और दूसरे किसी में जीव मानने को ही तैयार नहीं है। तो वहां पर दो दो दूसरे जीवों की हिंसा का विचार भी नहीं करेंगे और उनको पाप लगने की कोई बात ही नहीं मानेंगे। वैसा ही इस्लाम धर्म है, मनुष्य के सिवाय दूसरे किसी में जीव मानना ही नहीं है, तो वो भी जो है किसी जीव की हिंसा को पाप मानने के लिए तैयार नहीं हो। देखिए हिंदुइज्म, इट आल्सो सेज दैट पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में कोई जीव नहीं है। जब वो जीव नहीं मानेंगे तो वहां पर भी उसकी हिंसा का पाप वो मानने को तैयार नहीं है। Now one side all the other religions and another side only the Jain religion. अब यहाँ महावीर स्वामी ने आपको सबसे पहले ये सिखाया परमम नानम। The first of all you must have that knowledge of about all the living beings
भाई खाली हम मनुष्य ही जीव है ऐसी बात तो नहीं है, कई पशु पक्षी भी जीव है, ऑल द स्मॉल क्रीचर्स आर आल्सो द लिविंग बीइंग, और इससे नीचे उतरिए दो इंद्रिय वाले तीन इंद्रिय वाले वो भी तो जीव है, और पृथ्वी काय पानी अग्नि वायु वनस्पति वो भी जीव है। और दूसरी बात एक कि जैसे वो जीव है वैसा ही हमारा भी जीव है, उनके अंदर जो जीवात्मा जिस प्रकार की है कल वही निकलते निकलते आज हम इस कक्षा में मनुष्य में आए हैं, तो शरीर बदला है जीव तो वही है, कल हम उस कक्षा में थे आज हमारा जीव का विकास होते होते आज हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये हमारा मनुष्य शरीर है, लेकिन दोनों के अंदर जीव तो वही है वैसा ही जीव है। अगर उन जीवों की हिंसा का पाप है तो मनुष्य जीव की हिंसा का पाप है, मनुष्य जीव की हिंसा में पाप है उन जीवों की हिंसा में भी पाप है। तो ये हमको पहले महावीर सिखा रहे हैं, परमम नानम टेक द फर्स्ट नॉलेज अबाउट ऑल द लिविंग बीइंग्स, वो भी जिंदे प्राणी है जीवित है उनका भी ज्ञान आप सही संपादन करो। तो हम तो यहाँ पर ये ज्ञान का ही व्यवहार करें, अब आप कोई कहाँ पर है कोई कहाँ पर है ये तो ग्लोबल क्लासेस चालू की है, तो जो जहां पर भी हो यहाँ से ज्ञान तो आप प्राप्त कर रहे हैं, हम भी इसी के लिए प्रयत्न करें कि आपको यहाँ से वहां तक ज्ञान पहुंचाया जाए। और मुझे मेरा पर्सनल यहाँ कुछ भी नहीं देना है, महावीर स्वामी भगवान ने जो आगम शास्त्रों के अंदर बात कही है वो मुझे समझा दी। अब एक बार जीवों को समझ जाएंगे तो ओ दया, अब उसकी दया पालेंगे आप, उन जीवों की रक्षा करेंगे आप। दया पालने का मतलब ये है हम उन जीवों की रक्षा करें, अब ये हमको पहले समझना पड़ेगा। अब आप इसके साथ ये समझे कि जब इन जीवों की रक्षा करनी है तो यहाँ गति और जाति की दृष्टि से जीवों का जो एनालिसिस किया है वो मैं आपको यहाँ पर एक चार्ट में चित्र से समझा रहा हूं। ये आप समझिए, इसके अंदर इस तरह से अब जीव जो है जिस गति के अंदर है, अब जिस जिस गति में जीव गया तो यहाँ पर ये चारों गतियों का विश्लेषण किया गया। आप भी मंदिर जाते होंगे वहां पर स्वस्तिक बनाते होंगे, ये स्वस्तिक है और आप इस तरह से अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ये जीव है। अब कल कब जीव किस गति में जाए, कल कोई जीव मनुष्य में आए तो ये यहाँ पर आकर मनुष्य बना, कल कोई यहाँ इस गति में जाए तो वो देवी देवता बनेगा, कल कोई यहाँ इस गति में जाए तो वो नीचे नरक गति में जाएगा, कल कोई जीव यहाँ पर जाए तो उसको जाकर के ये तिर्यंश बनना है। अब ये चारों गतियां हो गई और जीव को चारों गतियों में जन्म मरण करते उसको परिभ्रमण करना ही करना है। कब यहां से ये जीव यहां से मनुष्य में जाए, अब कल कोई जीव यहां से स्वर्ग में जाकर देवी देवता बने, कल कोई यहां से जीव नरक गति में जाकर के नारकी बने, कल कोई फिर वापिस जीव यहां से आकर के पुनः वापिस तिर्यंश गति में ही जन्म लेगा। अब ये चारों गतियों के अंदर अपने किए हुए कर्म के हिसाब से सबको घूमते रहना है। अरे ये बात समझ में आपको, आप बरोबर देखिए कि सब जीवों को इसी तरह से संसार में अनंत जीव है और सबको इसी तरह से घूमना है। अब यहाँ पर आप देखिए आज हम यहाँ मनुष्य है, आप लोग भी सब समझे कि हम मनुष्य है, लेकिन कल हम यहाँ से मर करके यहाँ तिर्यंश गति में चले जाए और कल हम पशु पक्षी बन जाएंगे तो क्या होगा, कल कोई ऐसे पाप करके आप यहाँ से तिर्यंश नरक गति में चले जाओ कल क्या होगा, हम सिर्फ खाने पीने के निमित्त को लेकर आज हमको जो भी कुछ खाना है पीना है, अब शरीर है तो खाना पीना तो पड़ेगा ही,
लेकिन खाने पीने के निमित्त को लेकर के इतनी जीव हिंसा अगर हम करें तो कल हमारे लिए पाप का फल भुगतने के लिए नरक में जाना पड़ेगा। आप तो कल बोल रहे हम नहीं मानते, हम नरक नहीं मानते, हम स्वर्ग नहीं मानते। देखिए, बोलने से या नहीं मानने से तो होता नहीं है। आपने जीव हिंसा की है, पाप लगा है, कर्म बंधा है, तो फल भुगतने के लिए कल नरक भी है, स्वर्ग भी। ये दोनों बात आप इसको समझ करके चलेंगे। इवन इन द क्रिश्चियन रिलीजन इन बाइबल आल्सो दे आर सेइंग दैट हेल एंड हेवन। इवन इन इस्लाम दे आर आल्सो यूजिंग द वर्ड दोजख और जन्नत। दे आर आल्सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ वर्ड। हमने यहाँ पर स्वर्ग नरक कहा है। हिंदुइज्म आल्सो सेज अबाउट द स्वर्ग और नरक। ये हमको समझना है। अब जीवों का परिभ्रमण जिस तरह से, कल आप चले गए यहाँ से देव गति में जाकर आप देवी देवता बन गए, लेकिन वहां से भी आयुष्य पूरा होगा, वहां से भी मरना है। अब वहां से मर करके हम कहाँ जाएंगे? अब हो सकता है कि वहां से भी तिर्यंत गति में जाए, हो सकता है वहां से आप मनुष्य गति में आओ। अब कल जो जीव नरक गति में चले गए हैं वो भी तो आयुष्य पूरा होगा, वो भी निकलेंगे। कल कई तिर्यंत गति के जीव नरक में से तिर्यंत में आएंगे, कल नरक में से मनुष्य में आएंगे, तो ये चलता ही रहेगा चक्कर। इसी को बोलते हैं संसार चक्र, मतलब सतत जीवों को घूमते फिरते जन्म मरण करते परिभ्रमण करना, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी गति से तीसरी गति में, ये साइकिल चलती रहेगी। अभी रुकने वाली तो है नहीं। अब ये चलती चलती साइकिल जो चल रही है, अब आप ये सोचिए वो किस तरह से चलेगी। तो ये साइकिल चलने का क्रम, जन्म मरण के साइकिल का क्रम आपको मैं यहां पर बताता हूं। एक तो मेरी रिक्वेस्ट आपको अच्छी रहेगी कि इफ यू वांट टू डू सम स्टडी तो लेक्चर के साथ में आपको कागज पेन रखना चाहिए, एक पेपर रखिए, पेन रखिए, मैं डायग्राम से समझाता हूं तो आप भी ड्रॉ कर सको, सीख सको। देखिए, अब यहां से ये जीव है निबोध की कक्षा के अंदर अनंत। अब ये जीव बाहर निकला, अब इसको संसार के अंदर घूमना है। अब ये है स्पाइरल, आप देखिए संसार के चक्र में कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस को घूमते रहना है। अब ये कल कहां जाए? कल कोई जीव यहां गया देव गति में, कल कोई जीव यहां गया तिर्यंत गति में, कल कोई जीव यहां से हम गए मनुष्य गति में। अब आप जिस तरह से जो जहां गया, अब ये जीव नया नरक गति में। अब कितने भव चलेंगे, कितने जन्म मरण होंगे, इधर देखिए आप। अब यहां से निकले, एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, अब ये हमारे जन्म मरण चलते रहते। अब ये परिभ्रमण है हमारा, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो। अब जन्म मरण चलते 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 आपने कब कितने जन्म बिताए, अब ये क्या हो रहा है, जीव अपनी तरह से ये जन्म मरण करते 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 आगे बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे ही उसका चक्र चलता रहे चलता रहे चलता रहे। अब इसके अंदर परिभ्रमण करते हुए आज मान लो यहाँ तक आप आए, और यहाँ आकर के आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछे। अब सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान, मैं आज यहाँ तक पहुंचा है, मैंने कितने जन्म मरण किए, मेरे कितने भव हो गए, मैंने कितने जन्म मरण किए। सिमंदर स्वामी आज उत्तर देंगे, आपने संसार के चक्र में परिभ्रमण करते हुए अनंत जन्म मरण कर लिया। मैं पूछू तो मेरे लिए, आप पूछो आपके लिए। अब ये चक्कर चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हम जन्म मरण करते 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 जा रहे। अब ये कब तक चलता रहेगा? अगर पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में पूछो तो कहेंगे अनंत जन्म हो गए। आज भी हमारा ये जन्म चल रहा है, जीवन चल रहा है। अब मृत्यु तो होनी है, कभी ना कभी तो होनी है।
अब मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाएगा, कौन किस गति में जाएगा? एक तरफ जाओ तो देव गति में, इधर जाओ तो नरक गति में, इधर जाओ तो परे, इधर जाओ तो मनुष्य में। आज हम बड़े सौभाग्य से, प्रबल पुण्य से आप मनुष्य गति में आ तो चुके, आज मनुष्य में आप आए हैं, लेकिन अब कब तक हम यहाँ रहेंगे? आयुष्य है वहां तक, आयुष्य समाप्त होते ही जाना है। अब जाएगा तो कौन जाएगा? जीव ही जाने वाला है, अंदर जो आत्मा है वही जाएगी, शरीर तो यहाँ पड़ा रहेगा, लोग ले जाकर शरीर को तो जला देंगे, शरीर तो जाता ही नहीं है, जीव ही तो जा रहा है, अंदर से आत्मा ही जा रही। आप जीव कहो या आत्मा कहो, लेकिन ये यहाँ पर है कि जाना जीव को ही है, आना भी जीव को ही है। जब माता के गर्भ में आए थे तब उस जीव ने अपना शरीर बनाया था, आज हम जन्म लेकर अपना आयुष्य जीवन जी रहे हैं, अब एक दिन जाना है, मरेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि आप जाओ तो अपने सिर पर इतने कर्म लेके जाओ, इतने पाप कर्म साथ में इकट्ठे करके लेके जाओ और कल हमारी गति बिगड़ जाए, हमारी भव, हमारा जन्म बिगड़ जाए, कल नरक में गए तो वहां क्या हालत होगी आप जानते ही हो। यहाँ नरक के भी दिखाएंगे आपको, नरक का दृश्य आप देखेंगे, अब आपको सच्चाई वास्तविकता समझ में आएगी। आप तो एक ही बात पकड़ के बैठे हो, देयर इज नथिंग, नो हेल एंड नो हेवन, नथिंग। ऐसा मत सोचिए, आपके ना कहने से कुछ नहीं हो रहा है, जो है वो वास्तविकता है, जिस स्वरूप में जैसा है वो सच्चाई है। अब यहाँ इसके अंदर हम जीवों का कुछ विकास भी तो समझ लें था। अब कैसे जीव किस तरह से एक गति से दूसरी गति में, लेकिन ये तो आपने गति समझी है, अब इसके साथ में आपको ये समझना है कि जीव किस तरह से आगे बढ़ता 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 कहाँ गया, किस गति में कैसे पहुंचा सब, तो ये स्वरूप हम समझेंगे, ख्याल आएगा। आप देखिए नंबर एक, अब सबसे पहले जीव को नाम दिया है, ये सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है। अब यहां इसको नाम दिया है निगोध। अभी ये जीव यहाँ निगोध की कक्षा में है, कल यहाँ से सेकंड स्टेज में जब आगे बढ़ेगा तो वो यहाँ से बादर की कक्षा में जाएगा। मतलब बादर बने का मतलब क्या होगा, वो विजिबल बनेगा यहाँ पर। अब वो विजिबल बना है, बड़े स्वरूप में आया है, अब यहाँ से कल आगे जाएगा, थर्ड स्टेज में आएगा। अब यहाँ से ये प्रत्येक वनस्पति काल में आएगा, लेकिन अब आपको ये समझना है कितने काल में आएगा, कितने जन्म में आएगा, एक ही जन्म करके डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। तो महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन सूत्र आगम शास्त्र के 10वें अध्ययन में ये बात कही कि जीव यहाँ परिभ्रमण करे, अब वो जन्म मरण करते 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 कितने, अब अनंत जन्म बिताएगा, उसके बाद में इसमें आएगा। ये सेकेंड स्टेज जिसको आप बादर वनस्पति काय बोल रहे हो, अब इसके अंदर जो है ये सब आ रहे हैं, आलू प्याज है वो इसमें आ रहे हैं। अब ये आलू प्याज में आया, गाजर में आया, जिसमें आया वो इस कक्षा में आया सेकेंड स्टेज में, अब वो सूक्ष्म में से स्थूल बना है, अब यहाँ आकर के भी उसको इसी तरह से घूमना है। अब इसके बाद वो थर्ड स्टेज में जाएगा। अब आया प्रत्येक वनस्पति काय के अंदर, तो यहाँ पर भी अब क्या बनाए, अभी एक एक के अंदर आया, एक शरीर में अकेला आया, अब अकेला रहेगा, अब यहाँ इसको घूमना पड़ेगा, अब इसमें से आगे जाएगा। आप ये समझिए, यहाँ खाली वनस्पति काय में घूमते हुए हमको कितने जन्म हो गए, अनंत जन्म बीत गए। दिस इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। भाई हम स्पिरिचुअल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सोल आत्मा का एक थोड़ा सा विकास, हम थोड़े आगे बढ़े,
बिल्कुल छोटे से गोले में थे, उसमें से आगे बढ़ करके जरा बड़े बने, तब आप प्रत्येक वनस्पति काय में आए। आप भी तो वहां कभी प्रतिक्रमण करते होंगे, पर्युषण करते होंगे, संवत्सरी प्रतिक्रमण करते होंगे, 7 लाख बोलते हैं तो आपको ख्याल आता होगा। ये है विभाग, ये 14 लाख जो है और ये 10 लाख। तो यहाँ प्रत्येक वनस्पति काय में जीव को 10 लाख योनि में परिभ्रमण करना है, भटकना है। इसमें 14 लाख योनि के अंदर परिभ्रमण करना है। अब ये जीव को इतना घूमते रहना है, घूमते रहना है, इतने भोग करते रहना है, करते रहना है, तब चलेगा इसका संसार का चक्र। अब ये कब जाते जाते अपना एक जीव का विकास क्रम, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ये पुस्तक है इसमें से दिखा रहा हूं। अब आप ये देखेंगे ख्याल आएगा, एक 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 तरफ से देखिए कैसे जीव यहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ता है। अब वो कहां से कहां तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, ये आपको समझना है। अब आगे बढ़ने के लिए उसको क्या प्रक्रिया चाहिए, अब यहां से आप समझेंगे। थोड़ा सा ये टेबल मैंने बनाया है, अब ये टेबल आपको दिखाई देगा, ख्याल आएगा। अब निगोध से लेकर के जीव को एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा है। अब वो कितने काल में बढ़ेगा, कितने जन्म लगेंगे, कितना उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का काल लग जाएगा, ये पता, लेकिन होगा, चलेगा, इसी तरह से चलेगा। अब इसमें से जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो ये सब कौन है, आप जिसको वनस्पति काय कह रहे हो, ये विभाग यहाँ वनस्पति का पूरा हुआ। अब वनस्पति काय के अंदर आए, तब हमने ये सोचा कि अगर प्रत्येक वनस्पति काय में इसमें एक शरीर में एक ही जीव रहता है और इसमें एक साथ में एक शरीर में अनंत जीव है, इसलिए महावीर स्वामी ने ना कहा आपका शरीर एक जीव की हिंसा से चल रहा है तो अनंत जीवों की हिंसा से बचिए। बस बात इतनी सी है, आपका शरीर चल रहा है, हमारे शरीर के लिए एक जीव की हिंसा से काम हो गया तो अनंत जीवों की हिंसा न करें। ये हमने पहले आपको जो अनंत काय आलू प्याज के बारे में समझाया, ये वापिस रिपीट करूंगा मैं। कई लोगों की डिमांड है कि आप इसको जरा थोड़ा और एलोबरेट करिए और डिटेल में डिस्क्रिप्शन दीजिए, ठीक है, मैं जरूर करूंगा, आपको ख्याल भी आ जाएगा। अब ये आपको यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए गाजर है, कैरेट है, आप देख लो इसको कैसे, इसके बारे में समझा रहे हैं, इसको कैसे उगाते हैं, बनाते हैं, कितने अनंत जीव इसमें, और उसके हिसाब से आपको ख्याल आए। મેં જોયેલું નથી, મને ખબર છે તો શું ચાલે, કાયમાં જ આવાજ આવતી હતા અવાજ, चारों तरफ से काफी अच्छी रूटिंग स्टार्ट हो गई है। ये सब अच्छे से रूट आ रहे हैं, ये लीफ तैयार हुई है,
और ये दोस्तों 20 से 22 दिन का रिजल्ट आप ये देख सकते हो कि एक ही गाजर में इतने से छोटे से गाजर में कितने सारे रूट्स बनते हैं और कितने सारे रूट्स बन करके अलग अलग पौधे तैयार होंगे। मतलब गाजर के अंदर बीज न होने के कारण गाजर को ही बोना पड़ता है और गाजर को ही बोते हैं मिट्टी में डालते हैं तो अनंत होने के कारण इसके अंदर से अलग अलग प्रकार के रूट्स तैयार होती है। सारे नए कीड़े निकले हैं तो इस तरीके से आपका ये अभी गाजर का पौध तैयार हो गई है। अब आपको इसको करना क्या है, आपको इसको सिंपल सा अब देखो इनको इन्होंने अभी मिट्टी के अंदर डाल दिया और एक साथ में 25-50 पौधे तैयार हो जाएंगे छोटे से गाजर के टुकड़े के अंदर 25-50 गाजर के पौधे तैयार होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये गाजर का पौधा लग गया। अब आप इसको जहां पर सनलाइट हो वहां पर आप इसको आराम से इस सीड की जरूरत होती है, गाजर के सीड मिलेंगे और उन सीड को आप सीड ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों, आज तरीकों से लहसुन की बुहाई की जाती है उसका वीडियो हमें सेंड करिए। तो दोस्तों उस मेल को देखकर मुझे लगा कि शायद भारत में ऐसे कई सारे खेती कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, एक ही लहसुन में से अलग अलग हाँ अलग अलग क्रिएट करेंगे और उसमें से वही अलग अलग बोएंगे खेत में। देखो ये खेत में मिट्टी डलने करते हैं और उसके अंदर एक लहसुन में से अलग अलग कड़ी बना करके वही बोएंगे। लहसुन के भी कोई बीज नहीं होते हैं, वैज्ञानिक सलाह से ये खाद डाल रहे हैं। देखो फास्फेट जिंक सल्फर आदि उर्वरक खेत में डाल दो और फिर क्यारा बनाकर खेत तैयार कर दो। उसके बाद लहसुन की गांठ जो होती है उसे फोड़कर कुली बना ले, कुली मशीन अब ये गांठ को तोड़ते हैं। देखो मजदूरों से भी बना सकते हैं। लहसुन की कुलियों में से कटी फटी हल्की कुलियां हटा दे और स्वस्थ और बड़ी बड़ी कुली बोने के लिए रख ले। लहसुन लगाने का सबसे पुराना तरीका है मजदूरों से बुआई करना। इसमें मजदूर अपने हाथों से खेत में बीज डालते हैं जिसमें कुली का पतला सिरा ऊपर की ओर रखा जाता है और नीचे दूसरे वाला सिरा रखा जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ये वाला सिरा ऊपर रखा जाता है और ये वाला सिरा नीचे रखा जाता है। पहले खेत में एक पावड़ी से लाइन बना दी जाती है। मजदूर एक बड़ी सी लंबी सी पावड़ी लेकर खेत में लाइनें बनाते हैं जो कि 2 इंच गहरी होती है, 2 से 3 इंच भी गहरी हो सकती है। उसमें एक एक कुली करके 4 से 5 इंच की दूरी पर एक एक करके रख दी जाती है। उसके बाद मिट्टी से उस कुलियों को ढक दिया जाता है। यह तरीका काफी पुराना तरीका है। मुख्य रूप से यही सबसे प्लांटर मशीन होती है उससे बुहाई की जाती है। बहुत से क्यारियां बनाने वाला खचकिया हमारे यहाँ प्रयोग होते हैं और यदि लहसुन पर आपके किस तरह दवाइयों का छिड़काव करना है वो भी आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं साइंटिस्ट से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों आज जो मूली है वो हम इस पॉट में ग्रो करेंगे। ये बात को पॉट्स में लगा के भी दिखा देता हूँ ताकि जिनके पास जो मेरा सोइल है वो मेरे जो गार्डन सोइल है उसके अंदर जो पत ना कोई खाद ऐड है और उसको जो सोइल है वो हमने सीड्स लगाने से पहले हम जो सोइल है उसमें पहले वाटरिंग कर लेंगे तो उससे बेनिफिट ये होगा कि सीड्स लगाने के बाद जब हम वाटरिंग करते हैं तो जो सीड्स है वो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन पहले वाटरिंग करने से क्या है जो सोइल है
वो जम जाएगा, उसके बाद हम सीड्स लगा के अगर हल्की सी वाटरिंग भी करेंगे तो जो सीड्स है वो अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। ये देखिए वो और कर देंगे कुछ सीड्स को जब जर्मिनेट होते हैं तो उसको जब मूली के बीज डाले और इसमें से उत्तर हो गए सब दिख रहा हो यहाँ पे निशान, वो अपने चौक से यहाँ इसको कुरेद के और बीज को जब थोड़ा तो हमारी सीड्स बच जाएगी। तो मूली को वैसे मैं क्यारी के अंदर एडी वीट ग्रास के यूट्यूब चैनल पे मैं गौतम आप लोगों का इसकी रेंज ये देखो ये बटाटा है आलू आलू इस तरह से पोटेटो इस तरह से देखो कितने सारे पौधे तैयार हुए हैं एक ही आलू में से। ये जो दिखता है वो पोटेटो है और उसमें से फंगे फूटे हुए हैं। ऐसा आलू में नहीं होता, आलू को उगाने के लिए आपको आलू के ही टुकड़े अगर छोटा आलू है 2 से 1 इंची का तो आपको जमीन के अंदर गाड़ना पड़ता है, अगर बड़ा आलू है तो उसको 2 इंच के टुकड़े बना के आप उसको जमीन में गाड़ सकते हैं। आलू की सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे निशान दिखते हैं जिनको आलू की आंखें बोलते हैं। जब वातावरण सही होता है इनके लिए तो वो उसके अंदर से ग्रोथ बर्ड निकलते हैं जो कि स्टेम बन के जिससे पौधा निकलता है। तो आप एक ऐसा आलू लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो आलू का साइज आपके छोटे छोटे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके आलू अच्छे मतलब हल्का नमी रहे लेकिन ज्यादा पानी ना रहे तो इसके लिए हम लोग करीब 6 इंच अपनी मिट्टी रखी है और करीब 4 इंच की डेप्थ मतलब आलू के ऊपर करीब 1 से 2 इंच की लेयर आपकी रहेगी। हम इसको आलू को बीज को इसके अंदर मिट्टी में डाल देंगे और ऊपर से भुरभुरी मिट्टी इसके ऊपर रख के उसको ढक के डाल करते हैं इसके पौधे को लगाने के लिए। तो उसके और उसी रूट पे फिर आपके जो नए आलू बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा करता है। और जैसे मैंने पहले बताया था आलू को थोड़ी एसिडिक सॉइल चाहिए उसमें हेल्प करेगा। साथ में मैं इसमें ऐड किया एनपीके कन्वर्टर जो आप ट्रीट ना कर सकूं तो लेकिन जब मैं दोबारा बैठता हूँ सिस्टम पे उसको दोबारा चेक करने के बाद लाइक बटन को दबाने आप ये लाइक का बटन दबा दें इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब आप जिस तरह से देख रहे थे आपको ख्याल आएगा ये आपको अलग अलग प्रकार दिखाए कि कैसे जो है ये अनंत काय के आलू में गाजर में मूला में लहसुन में कैसे बोते हैं कैसे उगते हैं। तो उसमें सीड्स नहीं है तो एक में से इतने पौधे तैयार होकर के बहुत बन जाते। तो यहाँ बात हमारी ये आ रही है कि हम अपने शरीर के लिए खाने पीने के लिए अनंत काय के जीवों की रक्षा कर सकते हैं। हम इसमें से आगे बढ़ गए तो हमको कितना चाहिए साहब ये देखना है आपको। अब थर्ड स्टेज में आने के बाद ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड तो यहाँ पर सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय ये जो है बादर वनस्पति काय इधर प्रत्येक वनस्पति काय। अब इसमें से जीव आगे बढ़ा तो जा गया तो ये पानी में आया साहब पानी को यहाँ महावीर स्वामी ने जो नाम दिया है वो अवकाय ये संज्ञा दी है। पानी इटसेल्फ इज अ लिविंग बीइंग तो ये है कि एक पानी का एक ड्रॉप जो आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर आपको पानी के ये असंख्य जीव है। अब इनकी आपको कितने प्रमाण में रक्षा करनी है वो आपको देखना है सर। अभी तक हमने यहाँ पर क्या देखा था अनंत काय अनंत जीव और अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं असंख्य जीव। अब ये पानी बन गया है तो पानी में इतने असंख्य जीव आ रहे हैं। अब हमको कितने पानी का उपयोग करना कितने प्रमाण में उपयोग करना अब जानते हैं समझते हैं। अगर इनमें जीव मानो तो आपको ख्याल आएगा नहीं तो नहीं ख्याल आएगा सब दोनों बात है। अब यहाँ से आप आगे बढ़े तो इससे आगे चलने में आप आए वायु काय में आए। अब ये आगे बढ़े यहाँ से आप जो है चले तो अग्नि काय में आए। अब यहाँ से आगे चले अब आप यहाँ पर आए पृथ्वी काय में आए। इन सब के अंदर अब देखो महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी है केवल दर्शनीय भगवान तो सबको देख रहे हैं तो इनमें अनंत जीव कैसे बताए किसमें कितने जीव बताए इन सब का अच्छी तरह से ख्याल किया
अब इससे जब आगे बढ़ेंगे आप, जब इससे भी आगे निकलेंगे, तब आपको यहाँ पर ये देखना है, अब ये जीव आगे चलते चलते यहां से बे इंद्रिय अब ये जीव यहां से दो इंद्रिय वाले में, अब ये दो इंद्रिय वाले में आया, अब इससे आगे बढ़ करके वो ये तीन इंद्रिय में आएगा, तीन इंद्रिय में, अब ये आएगा तीन इंद्रिय के अंदर, तो इसमें क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे जीव बनेंगे। अब इसके बाद ये आगे बढ़ेगा, ये चौरी इंद्रिय में आया, अभी आज जिसके बारे में कोरोना की बात चल रही है, तो वो भी क्या है, दो इंद्रिय वाले जीव। तो भगवान ने दो इंद्रिय वाले जिसको अलग अलग नाम से दिया है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया है, कितने प्रकार के वायरस है। अब वायरस को नाम दिया है कि जो जिस प्रकार के विषाणु वाले, जिनके अंदर जहरीली पॉइजनस चीज होती है, वो है वायरस, और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो है सब दो इंद्रिय वाले जीव। तो यहाँ दो इंद्रिय वाले, आप प्रतिक्रमण पढ़े होंगे या एरिया भी सीखे होंगे, तो आपको ख्याल आएगा कि किसके अंदर बे एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौर इंद्रिया, तो ये देखिए अलग अलग इंद्रियों वाले जीव है, ये आपको यहाँ दिखाए जा रहे। आप ये फोटो देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा, दो इंद्रिय वाले हैविंग द टू सेंसेस, वो जीव कितने अलग अलग प्रकार के कैसे हैं वो देखिए। फिर इसके बाद आगे बढ़े तीन इंद्रिय वाले, फिर आगे बढ़े चार इंद्रिय वाले, तो ये आप मॉस्किटोज है, कॉकरोच है, ये सब चार इंद्रिय वाले चौरेंद्रिय जीव होंगे। अब इन जीवों की रक्षा करनी की नहीं, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब आप पंचेंद्रिय में आएंगे, अब पंचेंद्रिय में आएंगे तब आपको पता चलेगा आप उसमें हाथी घोड़े बन सकेंगे, जिराफ बनेंगे, एलिफेंट बनेंगे, स्नेक्स बनेंगे। तो जो जीव है वो सब प्रकार के जीवों में ही है, तो जो हमारे में आत्मा है वही उनके अंदर है, जो वो भी जीव है तो हम भी जीव है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझने में आ जाएगा। तो ये है कि जीवों का जब विकास हो रहा है, अब जीव कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, कोई पक्षी में पहुंच गए, कोई पशु में पहुंच गए, जलचर में गए तो पानी के अंदर मछली वगैरह बन गए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अब परसों की बात है ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर जो है कितने 400 के ऊपर जो है, करीब 400 के आसपास व्हेल मछली जो है, अब इतनी मछलियों का भी अगर वहां हिंसा भी हो जाती है, अब देखिए कैसे मरते हैं। फिर आप है कि भाई जलचर स्थलचर के ऊपर जमीन पर चलने वाले जो है हाथी घोड़े कुत्ते बिलाड़ी चूहे वगैरह जो है वो है प्राणी, और जो खेचर आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं तो वो पक्षी के रूप में कहलाएंगे। ऑल द बर्ड्स जो है, पीकॉक भी बर्ड्स है, पैरोट भी बर्ड्स है, पिजन भी बर्ड्स है, ये बर्ड्स अलग अलग लेकिन है पंचेंद्रीय प्राणी, जैसे हम पंचेंद्रीय मनुष्य है वैसे वो पंचेंद्रीय जीव है। अब उनका शरीर उनके हिसाब से इस प्रकार का बना है, तो ये हमको जीवों के बारे में समझना होगा। महावीर ये कह रहे हैं संसार के सब जीवों को पहचान, अब समझो अच्छी तरह से, ये जीव ऐसा है, ये जीव ऐसा है, ये जीव इस प्रकार का है। अब हम पहले हमारा सब्जेक्ट है खान पान का विषय हमने लिया है, अब आप खाने पीने के विषय में किन जीवों की हिंसा कितने प्रमाण में कैसे होती है, बनाने के तरीके में अगर जीवों की हिंसा हो रही है तो हम भागीदार हैं उसमें। आप रसोई बनाते हैं, अब ये देखिए किसमें कितने जीवों की हिंसा आ गई तो हम भागीदार बन जाएंगे सब। आपको समझना है ये भी अच्छी तरह से, आपने अचार बना लिया खाने के लिए पिकलेस, ये अचार लोगों को पसंद है, जीभ का टेस्ट आता है, लोग खा रहे हैं। अब पहले हम घर में बनाते थे तो हमारी मम्मी जो थी वो धूप के अंदर हल्दी नमक लगाकर सुखाती थी 3 दिन तक, और वो सूख करके एकदम आपके जो है कड़क बन जाता था एकदम, तब जाकर के उसको नमक हल्दी के साथ जो है तेल में डालते थे, तो 12 ही महीने तक अचार में कुछ नहीं होता था। अब आज लोग अचार बना करके कच्चा रख देते हैं
या उसके अंदर मेथी दाना डाल देंगे, या कोई अंदर अनाज के चने की दाल डाल देंगे, कोई कुछ डाल देंगे, तो वो जा करके अनेक बैक्टीरियल ग्रोथ वाला हो जाता है और वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आजकल बाजार में फैक्ट्रियों में जो बन के आ रहे हैं तो वो पेस्टिसाइड्स डालेंगे, वो उसके अंदर जो है केमिकल्स यूज कर देंगे। अब ऐसे प्रिजर्वेटिव जो है वो उसमें डालेंगे, आपको लगेगा कि 12 महीने नहीं हुए उत्पन्न जीव, लेकिन कैसे बैक्टीरियल ग्रोथ उसमें आ जाती है। अगर वो पानी वाले अचार है तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। तो कई बार बैक्टीरिया, मैंने बताया, ये इसके अंदर आ रहे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर आ रहे हैं। दो इंद्रिय वाले जीव है, ये हमको समझ करके उनकी हिंसा से बचना है, ये आपको हेतु बताया गया। अब किसमें दो इंद्रिय वाले जीवों की हिंसा कल कितनी होगी वो देखेंगे आप, तब आपको ख्याल आएगा। तो जिनको भी ये अचार खाना है तो जरा सोच समझ करके खाना भाई साहब। अगर वो फैक्ट्रियों के बने हैं और प्रिजर्वेटिव उसमें डाला है और फिर वो आपको कितने महीनों तक रहेगा, मैं तो आपको ये निवेदन करूंगा, आपके वहां पर भी कैचअप खाते होंगे लोग, टोमेटो कैचअप जो है आप यूज करते होंगे, नहीं मैं तो नहीं जानता लेकिन शायद करते होंगे, तो एक बार उसकी स्टडी तो कर लो, रिसर्च तो कर लो, ये टोमेटो केचप कैसे बनाते हैं। आप अपने घर में टोमेटो का जूस निकाल करके देखो, 3 दिन रहता है क्या, बचेगा क्या, तो वो कैसे 12 ही महीने चलता है। तो इतने प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डालेंगे उसमें और वो एंटीबायोटिक के किस रूप में होंगे, कल वो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर भी करते हैं साहब, ये इट इज ऑलरेडी प्रूवन दैट। ये उसके अंदर जो है जीवोत्पत्ति न हो, हमारे अंदर जो है वो कैंसर कैसे करेंगे, ये भी आपको समझना है। और उसके अंदर जिस तरह से जो भी आए तो आप उसके ऊपर, आपके वहां भी जो भी प्रोडक्ट आते हैं तो उसके ऊपर ई नंबर्स लिखे हुए रहते हैं, तो आप ई नंबर से स्टडी करेंगे, सर्च करिए, आप गूगल पर सर्च करिए फ्रॉम वेयर इट डिराइव्स एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दैट। अगर उन्होंने कोई भी ई नंबर लिख दिया, E322, E471, E1100, ऐसे ई नंबर्स का बहुत बड़ा लिस्ट है और ये कॉमनली सब जगह पर चल रहा है, तो कोई भी खाने पीने की चीज के ऊपर कंपनी जो है ई नंबर लिख करके देती है। एक बार हम इसकी भी स्टडी करेंगे, अब ये सीरीज चालू की है, तो मेरा आशय तो ये है कि आपको महावीर स्वामी जो जीवों के बारे में समझा रहा है वो आपको समझा, अब आपको जीवों का ख्याल आ जाए, आप उसमें पहले जीव स्वरूप मानने लग जाओ, जीवों का स्वरूप आपको ख्याल आना चाहिए, तब आप उन जीवों की रक्षा कर पाओगे, बचा पाओगे, नहीं तो फिर हिंसा होगी, हिंसा का पाप हमारे सिर पर लगेगा, हम हिंसक वृत्ति में से आगे छूट नहीं पाएंगे। अब हिंसा की कर्म बंधा तो फिर हमारी आत्मा कोई है सा, तो ये हमको कर्म लेकर के कल किस गति में जाना, कहां जाकर हिसाब चुकाएंगे, तो इसमें से किन जीवों की हिंसा। इधर हम तो मनुष्य एक शरीर में एक है, अब ये दो इंद्रिय वाले बैक्टीरिया तो कितने बनेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ तो इनके तो हिसाब असंख्य में चले जाएंगे। फिर 3 इंद्रिय वाले आप देखिए, अनाज के अंदर कीड़े पड़ते, चावल के अंदर जो है इली पड़ती है, गेहूं के अंदर इली होती है, अब उसमें जो है कितने जीव जंतु पैदा होते हैं। आप कभी जाकर के जहां वीट फ्लोर बनता है एक बार फैक्ट्री में जाके देखिए, हम तो देख कर आए, हमको तो देखा है, आंखों से मालूम है कि एक तो गवर्नमेंट के गोडाउन में से जब वहां से वो गेहूं सड़े हुए निकलते हैं तो वहां के ये जो फ्लोर मिल वाले हैं वो खरीदते हैं। अब सड़ने का मतलब आप भी समझते हैं कि गेहूं के अंदर इतनी इली पैदा होगी तब जाकर के वो सड़ रहे, अब उसके अंदर गेहूं के दाने तो कम है और इली के प्रमाण में ज्यादा है, अब पोते के पोते भरे हुए ले जाकर के फ्लोर मिल वाले एक के एक साथ में फटाफट खाली करेंगे, फटाफट जो है मिलिंग होगा और वो बनते बनते मैदा बन जाएगा सब। अब मैदा बनेगा तो सब बिस्किट बनेंगे, मैदा बनेगा तब आपका ब्रेड बनेगा, मैदा बनेंगे तब उसमें से पिज्जा बनेगा,
बर्गर बनेगा, कितनी आइटम मैदा में से बनेगी। लेकिन मैदा बनने की उस प्रोसेस के अंदर इतने तेंद्रिय जीव, इली किसमें से आ रही है, ये इली तेंद्रिय जीव है। अब उन जीवों की इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई तो खाने वाले भी भागीदार है कि नहीं? करने वाला, बनाने वाला, बेचने वाला, खाने वाला, सब उसमें पार्टनर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? आप स्टॉक एक्सचेंज में देखिए, एक फैक्ट्री कंपनी चल रही है तो शेयर होल्डर्स वो सब उसके पार्टनर है कि नहीं? तो सबके सिर पर परसेंटेज में तो पाप आएगा कि नहीं आएगा? तो कर्म किसको बंधेंगे साहब? आप पाप का कर्म का हिसाब भी करना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि हमने खा लिया, शरीर में आया, हमको एनर्जी आ गई, काम हो गया हमारा, ऐसा नहीं है साहब। पहले आप शरीर के साथ में ये भी तो आपको देखना है, हम अकेले एक ही नहीं है, तो इसके साथ में ये हमारा शरीर है। देखिए अब ये हम यहाँ पर इस शरीर में, अब ये यहाँ पर आपका मुंह है और ये आप जो खाएंगे वो तो पेट में जाएगा, लेकिन अब इसके साथ में आपको ये भी देखना है, अब आप इसको आत्मा नाम दो या इसको जीव नाम। अब ये हम यहाँ पर मनुष्य है और ये जो है, अब आपने जो भी कुछ खाया पिया, अब वो आपका जो है खाना कहाँ जाएगा? अब यहाँ से आपका खाना नीचे उतरे, अब जैसे आपने खाया पिया अब ये आपके पेट में जाए। लेकिन आपने जिन जीवों की हिंसा विराधना है उसका कर्म किसको लगेगा? ये अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि बे इंद्रिय, अब बे इंद्रिय जीव उसमें कितने मरे हैं, तो जितने दो इंद्रिय वाले जीव मरे उसका पाप, यहाँ जीव की हिंसा हुई ये पाप बना, अब यहाँ आत्मा के साथ आकर लगा ये कर्म बना। आपने बिस्किट खाया कि ब्रेड खाया कि पिज्जा खाया, मैदा बनने की प्रोसेस में जीव हिंसा हुई, पाप लगा, कर्म बंधा। आपने इसके अंदर तीन रिय जीवों की हिंसा की, अब इनकी हिंसा हुई तो इनका पाप कर्म भी आपको लगा। अब ये कर्म हमको इंद्रिय जीवों की हिंसा का बन रहा है, नरक होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से किस जीव में, अब ये प्रमाण हमारा यहाँ बढ़ता गया। अब ये आपने देखा इसमें चौरिंद्रिय जीव, अब ये चौरिंद्रिय जीव की हिंसा हुई कल, तो इसका भी पाप कर्म आपकी आत्मा पर, ये भी कर्म बना। खाया हुआ तो पेट में गया, पेट में तो कोई साल भर तो रहने वाला नहीं है, कल तो टॉयलेट में जाएगा, लेकिन अब ये जो कर्म हमारे साथ में, तो ये कर्म बन गए। अब आप इधर देखिए, ये कर्म बन गए आपका 1 करोड़ बरस का, ये कर्म बन गया 10 लाख बरस का, ये कर्म बन गया 50 करोड़ बरस का, ये कर्म बन गया 5 करोड़ बरस का। अब ये इतने लंबे लंबे कर्म हैं, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ बरस के कर्म हैं, और आपकी लाइफ कितनी है साहब, आयुष्य कितना है? आयुष्य हमारे पास 100 बरस का ही है। अब 100 बरस में आप इतना बड़ा हिसाब पूरा कर लोगे? अब ये हिसाब पूरा कैसे होगा? तो कल जीव को जब नरक गति में जाना पड़े, इतने कर्म, अब इतने कर्म हमारे भरते जा रहे। अभी हमने यहाँ पर ये अनंत काय जीव की हिंसा का विचार किया, तो ये भी कर्म है। अब ये भी कर्म तो आत्मा पर ही लगने वाला है, ये कर्म किस पर आएगा? आप कितने दिन खा रहे हो, कितनी बार खाते जा रहे हो, अब कितनी बार खाते खाते ये कर्म हमारी आत्मा पर भरते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इनका प्रमाण कितना होगा?
अब ये प्रमाण बढ़ते बढ़ते कल ये कर्म का प्रमाण हमारा अब ये सब कर्म आपके आत्मा पर भरते गए। अब कौन हिसाब करेगा साहब, आज आपकी उम्र हो गई 40 हो गई 50 हो गई 60 हो गई, अब हमने कितने वर्षों तक खाया है, इतने वर्षों तक खाने के हिसाब से अब ये कर्म कितना बढ़ता गया। आज अगर जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान मेरी आत्मा पर कितने कर्म लगे हैं, तो सिमंदर स्वामी कहेंगे कि भी जस्ट यू कैन पुट द टिप ऑफ निडल, एक निडल भी आप नहीं रख सकते कि जहां पर आत्मा के अंदर खाली जगह हो, एम्प्टी स्पेस, तो जहां आप एक निडल भी टच करो वहां भी कर्म भरे हुए। इतने पाप हमने किए, इतने कर्म बांधे, अभी तो मैं एक डिवीजन ले रहा हूं इसके अंदर से, सिर्फ खाने पीने के निमित्त की हिंसा का पाप, जो अभी हमने खाया पिया है, आपने जिसके अंदर जिन जीवों की हिंसा हुई, अब उसकी बात कर रहे हैं हम तो। अब मान लो कि जिसने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की, तो आपने ये पंचेंद्रिय जीव अब इनकी हिंसा हो और इनका पाप लगे, आप बोलेंगे हम तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं करते हैं। लेकिन कहां किस जीवों की हिंसा हो रही है आपको ये भी देखने से ख्याल आ जाएगा, आप समझ सकोगे एक्स क्या है, एक्स में पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो रही है, आप समझ सकेंगे साहब। मछली आ रही है, मछलियों की हिंसा हो रही है, मछली जो है वो भी पानी के अंदर है तो पंचेंद्रिय जीव है, तो ये पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा अगर बढ़ रही है तो पाप तो हुआ और कर्म तो आत्मा पर लगा है। जब कर्म आपके आत्मा पर लगा है तो कर्म का फल भी तो आत्मा को ही भुगतना है। अब हम यहां से कल हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु का मतलब क्या है, मृत्यु का मतलब सिर्फ ये शरीर छोड़ेंगे आप। अब आपने ये शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ करके आत्मा जाएगी। अब ये देखिए अब क्या दिख रहा है आपको, शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, अब क्या दिख रहा है, ये आत्मा है और ये इसके कर्म है, अब इसको जाना है। जीव जाता है कि शरीर जाता है, आप भी तो समझते हो, शरीर तो पड़ा रहता है, जीव ही तो जा रहा है। अब जीव जाएगा तो कर्म लेकर जाएगा, अब ये सब कर्म उसके साथ में है, अब कल नरक में जाए तो वहां नरक में हमको एक एक कर्म का हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा ना, जो कर्म बांधे जैसे कर्म बांधे हम लेकर जाएंगे तो ये हिसाब तो हमको चुकाना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर नरक दिखा रहे हैं, आप वहां का भी वीडियो देखेंगे ये भी आपके ख्याल में आ जाएगा। चलेंगे तो ही हम अपनी आत्मा को नरक में गिरने से बचा सकते हैं, नहीं तो मुश्किल।
हाँ जी, आपने ये देखा अलग अलग प्रकार की सातों नरक हैं। अब सातों नरकों का अलग अलग हिसाब है। ये थोड़ा सा आपको एक विश्वास आए तो अहमदाबाद के अंदर एक जो है एनिमेशन करके ये वीडियो बनाया है, वो भी आगम शास्त्र के सिद्धांत के हिसाब से। जैसा आगम शास्त्र में वर्णन आता है, देखिए नरक का वर्णन जो है उत्तरादेन सूत्र आगम में है, सुयगणांग सूत्र आगम शास्त्र में है, अन्य अन्य आगम शास्त्रों में आता है, उसी के अनुसार जो है ये एनिमेशन करके वीडियो बनाया है, लोगों को समझ में आना चाहिए। क्योंकि आज हमारे पास तो अवधि ज्ञान अवधि दर्शन नहीं है, हम यहाँ बैठ के तो नरक नहीं देख सकते। तो ये दृश्य आपको जो दिखाया समझाया इससे आपको ये ख्याल आ सकता है। अब बात किसकी है, हम खा पी करके अपनी आत्मा पर इतने कर्म ले रहे, शरीर तो शरीर ही है, अब शरीर कब तक रहने वाला है? शरीर तो पुद्गल का बनाया हुआ पिंड है। आपको तो मेडिटेशन करके मैं शरीर से सर्वथा भिन्न चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं, चेतन आत्मा हूं, शरीर पुद्गल परमाणुओं का बना हुआ पिंड है, आत्मा अजर अमर है, शरीर नाशवंत है, आत्मा त्रिकाल शाश्वत है। तो ये आपको मेडिटेशन में रियलाइज करना है। आप जब मेडिटेशन करोगे, ये रियलाइज करोगे, तब आपको ध्यान आएगा शरीर तो नाशवंत है, शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर तो जो है जाने ही वाला है। अब हम अपनी आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? तो क्या इतना कीमती जन्म, मनुष्य का जन्म हम खा पी करके पूरा कर लें, ऐसे ही मनुष्य जन्म बिता दें हम, और उसमें भी खाने पीने के निमित्त से इतने पाप करके अब ये कौन से पाप हो रहे हैं साहब? इन जीवों की हिंसा का पाप जो है, अब ये कौन सा पाप होगा कि जिसका नाम दिया है, ये है प्राणाति पाप। ये पहला पाप जो है प्राणाति पाप, जीवों की हिंसा का पाप है। अब जीवों की हिंसा, ये देखिए दो शब्द है यहाँ पर, ये है प्राण शब्द। अब जिनको प्राण है वो प्राणी है, और ऐसे प्राणियों का अतिपात नाश होना, इस नाश को हिंसा कहते हैं। इससे जीवों की हिंसा हो तो करने वाले हम हैं। आप ये मत समझिए कि मम्मी बनाती है कि वाइफ बनाती है तो सब पाप उसी को लगता है, जी नहीं, खाने वाला भी तो भागीदार है, बनाने वाला भी है, खाने वाला भी है, अब दोनों ही है। कल कोई बनाकर बेचे वो भी भागीदार है। तो आखिर जीवों की हिंसा हो रही है, पाप हमारे आत्मा पर है। अब ये कर्म है, देखिए हमने खाया पिया शरीर में गया, कल टॉयलेट में जाएगा, ये कर्म कब जाएंगे? ये तो कोई इमीडिएट निकल नहीं सकते, कर्म तो आज के आज नहीं जाएंगे साहब। अब ये कितने काल तक रहेंगे, कितने वर्षों तक रहेंगे हमारी आत्मा पर? अब इसकी जो टाइम लिमिट सबकी अलग अलग है। अब भगवान ने क्या बताया कि इतने कर्म हो रहे हैं, इतने पाप हो रहे, इतने कर्म कर रहे हो, इसी के लिए धर्म की व्यवस्था की है। धर्म की व्यवस्था किस लिए है? आप इन कर्मों का क्षय कर सको। जो नवकार मंत्र में दिया है, सब पाप पणासनो, सब पाप कर्म का नाश हो। तो आप कैसे करेंगे पाप कर्मों का नाश, किस तरह से करेंगे? जब आप धर्म करनी में जुड़ेंगे तब। अब आप बोलेंगे हम तो पर्यूषण आएगा तो अट्ठाई कर लेंगे, पर्यूषण आएगा तो अट्ठम कर लेंगे। तो पर्यूषण का इंतजार करने की जरूर क्या है? कल पता नहीं पर्यूषण आएगा कि नहीं आएगा। हम अपने लिए तो विचार करें, पर्यूषण को अभी एक बरस और जाएगा, तो क्या हम वहां तक रोज पाप करते जाए, कर्म बांधते जाए, और कल मृत्यु हो गई तो? अब आज तो देख रहे हो पूरी दुनिया के अंदर ये कोविड के कारण लाखों मर रहे हैं, फिगर कितना पहुंच गया है।
कल आयुष्य का भरोसा क्या है, कल किस तरह से आपका आयुष्य पूरा हो जाएगा कोई पता नहीं है साहब। ये है, अब ये हिसाब समझने के लिए हम पूरा डाइट चार्ट समझेंगे, पूरा हमारा जो फूड सिस्टम है, पूरी फूड प्रोसेसिंग है, अब वनस्पतियां हैं, कौन सी वनस्पति है, कैसे, हर चीज के बारे में डिटेल आपको समझना है। ये सीरीज हमने जो चालू की है इसीलिए की है कि सबसे पहले हम खाने पीने के निमित्त इन जीवों के हिंसा में से बच जाए। लेकिन इसके साथ ये आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज बायोलॉजिकल साइंस, बॉटनिकल साइंस, जूलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान भी तो समझना पड़ेगा। अब आप जीव विज्ञान समझोगे, इसके साथ में कर्म शास्त्र समझोगे, इसके साथ में धर्म शास्त्र समझोगे, ये हम पूरी स्टडी करेंगे तब जाकर के हमको ख्याल होगा। ये तो आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों ने सामने से इच्छा व्यक्त की, चलो सैटरडे संडे दो दिन तो आपको समझाएं। हम तो यहाँ पर प्रतिदिन कर रहे हैं, हमारे यहाँ रोज ही चल रहा है सब, हम तो साधु संत हैं, हमको सैटरडे संडे से किसी से मतलब नहीं है, हमारे तो प्रतिदिन हम उपदेश दे रहे हैं, रोज के प्रवचन चल रहे हैं। तो आप सैटरडे संडे वाले हो, दो दिन की स्टडी करके थोड़ा सीख लो, और रोज की जो लिंक चल रही है, सुबह 6 से 8 के प्रवचन चलते हैं, 9:30 से चल रहे हैं, 11 बजे कर्म फिलोसॉफी भी सिखा रहे हैं। तो आप जो है जिनको इंटरेस्ट हो, प्रतिदिन आपके पास टाइम है, आप फ्री हो तो आप रोज सुन सकते हो। एल्सा बेन को आप बोलेंगे, आपको लिंक भेज देंगे, पूरा लिस्ट भेज देंगे, इतने अलग अलग प्रवचन हैं, उसमें से जिनको जिसमें इंटरेस्ट आए, जिसको जिसकी स्टडी करनी हो आप कर सकते हो। ये बहुत फायदा होगा सबके लिए, आप देश विदेश में कहाँ कहाँ बैठे हो, और ये तो एक व्यवस्था हो गई, ये आधुनिक व्यवस्था के कारण यहाँ से एक जगह से सबको सब जगह पर सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ में भी आ रहा है, और ये आपको मेहनत करके इसमें से सब अलग अलग थोड़े से प्रूफ भी आपको दिखा रहे हैं, तो आपके ख्याल में आ सकता है, आप समझ सकते हो। मैं आपको थोड़ा चांस दे रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स के लिए, क्योंकि ये ओपन डिस्कशन रखा है, तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए पूछ भी सकते हो, मेरे से जितना होगा आपको मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा सब। बोलिए, आप जिनको जिनको पूछना है अपना अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछेंगे और सबको समझ में आ जाएगा, जिनको भी पूछना है वन बाय वन एक एक करके आप पूछिए। मथेन वंदना मैं गुरुदेव। हाँ जी बोलिए, बहुत आशीर्वाद वंदना, बहुत धर्मला गुरुदेव। मुझे इसके लिए ग्रुप जो होगा तो उसका लिंक भेजना है, और मेरे को ना ये सिर्फ प्राणातीत पाठ जो बताया तो उसका सिर्फ वापस एक बार विश्लेषण सुनना है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर ये जो है ये पाप स्थान हमने यहाँ पर चलाया, तो ये प्राणातीत पाठ की अभी जो हम बात कर रहे थे, ये समझिए कि पहले आपने ये समझा प्राण, ये प्राण किसने किस प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के प्राण है। अब इसके साथ में शब्द जुड़ा है अतिपात, ये अतिपात शब्द का सीधा मीनिंग है हिंसा। अब आपने किसकी हिंसा की है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा की है, तेंद्रिय जीवों की हिंसा की है, ये आपने बेन्द्रिय जीवों की हिंसा की है, आपने किन जीवों की हिंसा किसने की है, एकेंद्रिय जीवों की हिंसा आपने की है, तो ये आपको देखना है, क्योंकि ये सभी जीव प्राण वाले, सबके प्राण है कम ज्यादा है, मनुष्य के पास 10 प्राण है, अब इन सब जीवों के पास अलग अलग प्राण है। मैं आपको बायोलॉजी की स्टडी में फिर समझाऊंगा और ज्यादा, लेकिन अतिपात इसका मीनिंग हुआ जीव हिंसा। अब आप बोलिए महावीर ने भगवान ने जीव हिंसा बताई कि जीव दया का धर्म बताया, जीव दया, जी हाँ, अब जीव दया धर्म है और हम प्रैक्टिकल लाइफ में जीव हिंसा कर रहे हैं, प्राणातिपात जीवों की हिंसा हो रही है, अब खाने पीने में हो रही है, रसोई बनाने में हो रही है,
होटलों में जाकर के हो रही है, घूमने जाते समय वहां खाने से हो रही है। अब आपको ये पता है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है, कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से बनी हुई प्रोडक्ट आपके खाने में आ रही, ये आपको एक के बाद एक दिखाएंगे, आपको भी पता चलेगा। आप बिस्किट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, पास्ता खा रहे हो, आप नूडल्स खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, अब हजारों आइटम है, हम लोग तो समझते नहीं है, जानते नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन जो इसके ऊपर सारे इकट्ठे करके उसका डिटेल निकाला है कि किसमें क्या आ रहा है, आखिर मैगी बन रही है तो किसमें से बन रही है, नूडल्स बन रही है तो किसमें से बन रही है, बिस्किट्स बन रहे हैं तो किसमें से, क्या प्रोसेस है उसकी, ये स्टडी करके अब आपको ये समझाना है। तो ये सीरीज एक चालू की है, तो ये तो बहुत लंबी चलेगी, 2-4 महीने चलेगी, आप एक के बाद एक चीज समझते जाइए। आपसे कितना छूट सकता है, आप कितना घटा सकते हो, कितना कम कर सकते हो, ये आपके फायदे में। आप नहीं छोड़ सकेंगे तो फिर वापिस हमको तो अतिचार दोष ही लगना है सर। अब फिर पाप तो होता जा रहा है, कर्म बनता जा रहा है, बाहर है वहां तक आप मन वचन काया से कर रहे हो, वहां तक पाप है। अब कर्म बनने के बाद आत्मा के साथ चिपक गए। देखिए ये शक्कर है और ये दूध है, अब आपने शक्कर दूध में डाली, शक्कर घुल गई, अंदर दूध मीठा हो गया, किसी ने शक्कर डाली, किसी ने नमक डाल दिया, किसी ने कुछ डाल दिया, वैसे ये आत्मा है, ये बाहर से कार्मिक एटम आए, ये आत्मा पर चिपक कर कर्म बन गए। अब ये कर्म तो कोई 2 मिनट में तो उड़ने वाले नहीं है, तो वो फिर उसका हिसाब कौन चुकाएगा? शरीर तो यही रहता है ना, वहां मरने के बाद तो जलाते हो आप, अग्नि संस्कार करते हो, तो जाने वाला तो जीव है, जब जीव शरीर छोड़कर जाएगा तब जाकर के उसकी गति बिगड़ेगी, अब वो नरक गति में जाएगा। ये शरीर लेकर के तो जाते नहीं है कोई, तो शरीर तो यही छोड़ना है, शरीर तो जलाना है। तो महावीर ने ये कहा, पहला पाप स्थान प्राणातिपात, अब उसमें से बचना है तो प्राणातिपात विरमण व्रत, अब इन प्राणियों की जीव हिंसा में से बचो, ये धर्म है, उसको जीव दया धर्म नाम दिया है। अब आप जो है जीव दया के ऊपर, प्राणी रक्षा के ऊपर आइए, ये तो प्राणातिपात हो गया, अब प्राणी रक्षा, प्राण दया, जीव दया करेंगे तब धर्म शुरू होगा, तो आप बच जाएंगे इतने पाप कर्मों से। अब आप समझ रहे हो, आपने कल से आलू प्याज छोड़ दिया तो आप अनंत जीव की हिंसा में से बचेंगे, नहीं तो फिर वापिस आत्मा पर लगते जाएंगे कर्म। ये तो आत्मा है, समुन्दर है सा, ये तो बढ़ते ही जाएगी, कर्म तो कभी कम होंगे ही नहीं सा। अब आपको बचना है, आप ये ज्ञान क्यों ले रहे हो, परमम नानम तव दया, ये प्रथम ज्ञान प्राप्त होगा तब आप जीवों की दया पालोगे, रक्षा करोगे तब बचोगे, नहीं तो हिंसा होती रहेगी। हाँ जी बोलिए सर। गुरुदेव हमने तो श्रावक के जो नियम, जो श्रावक व्रत रहता है उसमें प्राणातिपात का सापराधी को छोड़कर निरापराधी का अकुट्टि की बुद्धि से हनने का बचाना, यानी कि उनको तो नहीं हनना है, लेकिन अभी उसमें भी बेन्द्रिय तेन्द्रिय का ऐसे छूट है, तो अभी इसमें और डीप में जा रहे हैं कि अपन फिर इसमें से, क्योंकि बेन्द्रिय तेन्द्रिय जैसे कि अपन एक बेन्द्रिय को तो नहीं माना, एकेन्द्रिय की छूट है कि जैसे कि खाने का सब्जियां लगती है तो उसकी छूट है, उसमें भी अभी गेहूं आटा मैदा ये भी उसमें आता है क्या एकेंद्रीय के इसमें? एकेंद्रीय की छूट मत बोलो, एकेंद्रीय की जैना पालना है। आलू प्याज किसमें आएंगे? एकेंद्रीय है ना सब। हाँ हाँ तेज गुरुदेव, वो एकेंद्रीय है। आपने क्या भाई वो व्याख्या दी है आपको, पहले व्रत की व्याख्या डेफिनेशन ये की है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम जैना पालने की बात आ रही है एकेंद्रीय में, क्योंकि आपने बोला मैदा, आटा मैदा है वो गेहूं का है, लेकिन तेंद्रीय जीव की इली उसमें मरी तब जाकर के इतना मैदा बना है, अब इतनी बड़ी संख्या में मरी है। आप मैदा घर में बनाते हो क्या? नहीं, मैदा खाते ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात है, दूसरे लोग जो मैदा लाते हैं वो घर में नहीं बना रहे, वो बाहर से ला रहे हैं, तो फ्लोर मिल में बना है,
अब फ्लोर मिल में बना है तो इतना मैदा बनने के पीछे कितने बेहिसाब जो है इतनी इली मरी तब जाकर बनाए। अब उसका पाप तो खाने वाले पर, बनाने वाले पर, सबके ऊपर सिर पर आएगा कि नहीं आएगा? आपके ऊपर जितना पार्शनल पोर्शन में आएगा उतना आएगा, उनके ऊपर जितना जाएगा उनके ऊपर रहेगा। तो ये हिसाब कौन करेगा? अब इतने जीवों की हिंसा हुई, इनका हिसाब कौन करेंगे? तो कर्म तो आत्मा पर लगने ही वाले सर। अब आपको किस तरह से बचना है? जितने पक्षकांड जितने प्रमाण में करके प्रैक्टिकल लाइफ में पालोगे उतने आप बचोगे सर। हाँ सर, दूसरे और किसको पूछना है बोलिए। महाराज जी, हाँ बोलिए। YouTube में एक क्वेश्चन आया है, YouTube लाइव चल रहा है उसमें, कि आत्मा यश पटेल से, कि आत्मा तो मर नहीं सकता है, तो हिंसा पुद्गल की होती हो रही है या किसी और की? देखिए, अब आत्मा ने शरीर धारण किया है और किसने किया है? अब पहले ये आपको समझना है, मैंने यहाँ पर ये बनाया, अब ये बनाया है, ये आप शरीर बोल रहे हो, अब ये कौन है? ये आकार किसका है? दिख रहा है आपको? दिख रहा है सब? क्लियर दिख रहा है? हाँ, मछली का है। हाँ, आप समझ गए, मछली का आकार है। अब मछली के अंदर शरीर में ये उसका जीव, अब ये जीव है, और कौन सा जीव? ये आकार, इसकी आंख नाक कान सब है, तो ये पंचेंद्रिय जीव। अब इसको जो है नाम दिया है, ये पंचेंद्रिय है। अब इसकी जाति जलचर है, लेकिन अब दुख किसको होगा? आप ये बात जरूर है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है, वो परमानेंट है, लेकिन अब शरीर धारण किसने किया है? आत्मा ने किया है। सेंसेशन किसको हो रहा है? आत्मा को हो रहा है। शरीर तो पुद्गल का पिंड जड़ है। अब मरना मतलब क्या? इसमें से ये जीव मरेगा, शरीर छोड़ के जाएगा। तो शरीर छोड़ने के पीछे आप इसको मारो काटो पीटो तो वेदना पीड़ा किसकी हो रही है? कल आपके हाथ पैर काटे तो वेदना पीड़ा किसकी हो रही है? अब इसको काटेंगे, इसको मारेंगे और फिर पकड़ के लाएंगे समुन्द्र में से, नदी में से, तालाब में से, अब इसके टुकड़े करेंगे, फिर उसको जो है सब्जी बनाएंगे, अब चूल्हे पर गैस पर चढ़ाएंगे, जीव मरा, उसकी हिंसा किसको लगी? आप ये को भी जीव मरता ही नहीं है तो हिंसा होती नहीं है, तो महावीर स्वामी ने पाप क्यों कहा फिर? आप ये भी तो समझिए, अगर ये जीव है, इसमें से जीव निकले तो निकालने में हमने कारण ही बुद्ध निमित्त बनकर उसको मछली को पकड़ा है। अब वो पंचेंद्रिय जीव मनुष्य में, और इसमें पंचेंद्रिय पना तो शरीर का ही है, हम मनुष्य गति में हैं इसलिए आप बड़े मानते हो, लेकिन पंचेंद्रिय पना शरीर का है। अब जीव और शरीर को हमने अलग किया है, मार के अलग किया है, तब ये हिंसा हुई। तो करने वाला अगर मैं हूं तो मेरे सिर पर इस जीव की हिंसा का पाप लगा। अब जीव आत्मा तो आत्मा अपने आप में परमानेंट है, लेकिन वेदना पीड़ा किसको हुई? शरीर छोड़ना पड़ा कि नहीं? अब वो शरीर छोटा, उस जीव की हिंसा हुई, वो पाप लगा, अब उसका कर्म मेरी आत्मा पर बंधा, मुझे भुगतना पड़ेगा साहब, ये है सोचिए आप। तो पंचेंद्रीय जीव की हिंसा भी नहीं करनी हमको। हाँ जी बोलिए। एक और पीयूष शाह ने पूछे है चैट में, कि पानी गर्म करके पीने से अनंतकाय जीवों की हिंसा कम होती है क्या? देखिए, पानी का हिसाब मैं थोड़ा सा अलग समझाता हूँ। तो यहाँ पर जो पानी है वो भी एक केंद्रीय जीव है। अब ये प्रक्रिया तो सबके लिए है, आप ये देखेंगे कि पानी, अब ये पानी जो बना है, अब इसके अंदर ये सब प्रकार के असंख्य जीव, अब इसमें उत्पन्न होना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये क्रिया चलती रहेगी। अब ये हम यहाँ पर समझ करके चलते हैं कि एक के बाद पानी का प्रमाण जितना रहे,
अब आपने सुबह मान लो कि ये लिया, आपने 5 लीटर पानी गर्म किया, अब इसके अंदर जितने जीवे एक बार की हिंसा का पाप लगा आपको, बात सही है, लेकिन ये पानी सुबह 6 बजे, अब ये 8 बजे, अब ये 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, फिर ये वापिस 6 बजे, अब यहाँ आते ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो ये पानी एक बार गर्म किया उस समय जीव हिंसा हुई, लेकिन अब इसके अंदर 2 घंटे में ये कितने, मैंने कहा आपको 5 लाख, अब इसमें से 1 लाख माइनस हुए और 3 लाख बढ़े, तो कितना हुआ, 4 और 3 7 लाख हो गए। फिर मानो को 10 बजे है, ये 2 लाख माइनस हुए और 4 लाख बढ़े, तो कितना हुआ, ये 10 लाख हो गए। अब ये इंक्रीज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो एक बार पानी आपने गर्म किया उस समय 5 लाख की हिंसा हुई थी, लेकिन बाद में वो 9 घंटे तक पानी में जीवोत्पत्ति नहीं हुई, इसलिए आपने अचित्त पानी का उपयोग किया। अरे ये बात समझ में, मैक्सिमम जीवों की हिंसा होती रहती, पानी तो वही आपके मटके में है, भरा है, आप पी रहे हो, आप आज का पानी कल वापिस छान के रखे रखोगे वही पियोगे, तो जीव हिंसा कितनी बढ़ती जाएगी, ये तो होती ही जाएगी, समझे कि नहीं, तो उसमें से हम बचे कैसे, तो मैक्सिमम से मिनिमम पर आ रहे। चलो भाई, एक बार अचित्त हो गया, उसमें जीव विरहित ना हुई, पाप लगा है, लेकिन 5 लाख में बचे तो 50 लाख से तो बचे आप, उतने में ही आपका प्रमाण रहा, तो आप 50 लाख की जो हिंसा होने वाली थी वो लिमिटेड होकर के आप 5 लाख का पाप सिर पर ले रहे हैं। बात इतनी सी। तो सचित से अचित, अब ये अभी चल रहा है, वर्षा ऋतु है इसलिए 9 घंटे हैं, कल समर सीजन के अंदर यही 15 घंटे हो जाएगी, उस समय आपका पानी और ज्यादा टाइम तक अचित रहेगा, लेकिन फिर जाकर के, क्योंकि ये तो है ये पानी का शरीर है, और जीव आएंगे उत्पन्न हो जाएंगे, और आएंगे उत्पन्न हो जाएंगे, तब बढ़ता ही जाएगा। आप देख रहे हो पानी में से आइस बन जाए, आप आइस बन गया तो उसमें और कितने जीव उत्पन्न हुए, तो लिक्विड फॉर्म में से सॉलिड फॉर्म में आया। अभी तो हमने बात की कि पानी का ही है, लेकिन इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ भी कितनी है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव इसमें कितने हैं, फिर पंचेंद्रिय तो मछली आदि रहती है, वो चलो हमने छान करके निकाल लिया, लेकिन ये तो पानी है। अब इसको आपने सीधे ही फ्रिज में रख करके जमा दिया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, बर्फ बन गया, आइस बन गया, तो आप उससे बच सकते हो। हम जानते हैं कि भाई अब कहाँ है जीव है इसमें, तो आप बच सकते हो, बचने की कोशिश करिए, ये हेतु है, उसके पीछे बहुत अच्छा हेतु है। आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे, पूछिए, और किसको पूछना है। और एक वही पानी के लिए है कि पानी में तुरती घुमाई तो करी तो पानी हिट होता है क्या, अचित होता है क्या। हाँ जी, पानी अचित होने के कई प्रकार है, आप उसके अंदर कुछ भी डालोगे वर्ण गंध रस स्पर्श बदल जाएगा, पानी अचित हो जाएगा, लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट रह जाती है, और कोई कारण नहीं, टाइम लिमिट हो गई, वापस जीवोत्पत्ति हो जाएगी, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो ये क्या है, बिना कुछ डाले आपने बॉइल कर दिया, तो मिनिमम 9 घंटे वर्षा ऋतु में, फिर उसके बाद जो है विंटर सीजन में 12 आवर्स, फिर समर सीजन के अंदर 15 आवर्स, ये करके इस तरह से बढ़ता है। नंबर दो, अब दूसरी बात समझिए, आपने फिटकरी डाली, आपने लौंग डाला, आपने राख डाली, आपने और कुछ डाल करके अचित किया, लेकिन आपके उपवास शामिल का पचखान होगा तब टूट जाएगा, ये भी तो आप समझिए। तो दूसरे पचखान आपके जब है, उपवास है, कोई आमिल है, कोई एकाशना करते हो, आप कुछ भी करते हो, तो वो पचखान आपका टूट जाएगा, क्योंकि जो डालकर बनाया वो आहार बन गया। आपने फिटकरी भी डाली तो भी आहार बन गया, लौंग डाला तो भी आहार बन गया, राख डाली तो भी आहार बन गया, और न मालूम कितनी चीजें लोग डालते हैं डाल के बना, तो क्या उसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श चेंज हो गए, तो वो अचित तो बन जाएगा, लेकिन वो कितनी देर अचित रहेगा, फिर वापिस जल्दी सचित हो जाएगा। तो आपको बचने के लिए, अचित करने के लिए बॉइल करना ये बेटर ऑप्शन है।
हाँ जी बोलिए। और क्वेश्चन है संजय जैन के तरफ से, दही भी जीवो से बनता है तो क्या किया जा सकता है? हाँ जी, देखिए दही जैसे जीवों से बनता है उसमें दो इंद्रिय के बैक्टीरियल फॉर्म है। अब आपको ये देखना है उसके अंदर कि ये जो हमने दही बनाया, अब ये दही बनने के बाद अब इसको कितने टाइम के अंदर जीवोत्पत्ति, अभी आपने दही के अंदर वो दही दूध के अंदर दही डाल के रखा, अब इसकी टाइम लिमिट जब हो जाएगी ये जाएगा 12 घंटे और उसके बाद जो है सेकेंड रात फिर तीसरी रात जाएगी तब जाकर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी, वो दो इंद्रिय जीव बढ़ेंगे। बिफोर दैट पीरियड आप उसको यूज कर रहे हो 12 घंटे से लेकर के एक दिन के अंदर, तो आप उसमें सेफ साइड में हो। बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ने वाली है लेकिन वो सेकेंड नाइट से बढ़ेगी, तो बिफोर आप उसको यूज कर लेते हैं तो बच जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा बेटर तो आप उसको इसी टाइम पीरियड में छाछ बना लेते हैं, सो दैट इज वन टाइप ऑफ फ्रिक्शन हीट इट क्रिएट्स इनसाइड, तो फिर बाद में बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं बढ़ती है, ये प्लस पॉइंट फायदा है। बोलो विजय भाई, तुमने शु प्रश्न पूछो छे? मथेड वंदामी गुरुदेव, प्रश्न एक छे अमा के आफ्टर सनसेट जेम आपणे रात्रि भोजन नथी थतुं एम पाणी पण नो नथी लेवानी ओली होय छे, तो पाणी वापरवानी पण बाधा होय छे के खाली पीवानी छे, एटले हाथ धोवा के? हाँ आप समझते हो, देखिए जीव समझ रहे हम, तो जीव का उपयोग तो उपयोग करने पर हिंसा हो जाएगी। अब पानी जो है वो एकेंद्रीय प्राणी, एकेंद्रीय जीव, अब काय के जीव है, अब आप इस रूप में यूज करो कि उस रूप में यूज करो, जीव हिंसा तो होगी। तो क्या करना चाहिए आपको कि आप अगर दूसरे ढंग में भी आपको व्रत वाले हैं पचकान वाले बचना है तो आप दूसरे यूज करने के लिए भी आपने अगर बॉइल करके रखा है तो ज्यादा फायदा है, या आपने हम लोग रखते तो चूना डाल के रख देते। अब चूना इतनी हीट वाला होता है कि वो 72 आवर्स तक वापिस उस पानी को सचित बनने नहीं देता, आपका दूसरा काम हो गया, चूना नीचे बैठ करेगा, लेकिन चूना डालने से पूरे पानी के गुणधर्म बदल गए, अब उस हीट के कारण अब दूसरे उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, ये तरीका अच्छा है। बहुत अच्छी बात है, बोले सर। यस पटेल पूछ रहे हैं जैना और रक्षा में क्या फर्क है? दोनों एक ही बात है, जैना करना और रक्षा पालना। तो हमारा ये एक टेक्निकल वर्ड है जैन शासन का, जैन धर्म का, उन जीवों को कितने सुरक्षित आप रखते हो, उन जीवों कितने सुरक्षित बचा सकते हो, ये आपको देखना है बस, तो उसकी रक्षा करनी है। हम कर रहे हैं तो दोनों तरीका है, लगभग लगभग सिमिलर वर्ड में आ रहा है सर। हाँ जी बोलिए। महाराज साहेब कुना थी बोलू छु? मथेन मंडावी महाराज साहेब, તમે આગળ જતા જરા વિસ્તારમાં સમજાવશો કે કર્મની માત્રા વધારે કેવી રીતે થાય, કે એક ઇન્દ્રિયમાં ઓછી હોય, બે ઇન્દ્રિયમાં વધારે અને પંચેન્દ્રિયમાં એકદમ વધારે, જેવી રીતે માણસ કરીએ તો એ અતિશય કર્મ વધી જાય, એ માત્રાનું જે પ્રમાણ છે એનું કેવી રીતે વધારે પાપ લાગે એ જરા આગળથી વિસ્તારમાં સંભાળજો। हाँ चौक्स, थोड़ो आवा तो विषय अजी आगल आवशे, ख्याल आयो, एटले नेक्स्ट टाइम आपने फरी, अने काले पण छे संडे नु पण छे, एटले आपने समझी थोड़ो एमां डिटेल समझावशो एटले ख्याल आवशे, बरोबर छे। बोलो और किसी को? मथेण वंदामी साहेब जी। हाँ धर्मलाल, हाँ ऋषि बोल रहा हूँ। तो जो दही में दो इंद्रिया के जो बैक्टीरिया होती है तो फिर हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं? बिफोर टाइम, ये मैंने आपको बोला है, आपने दही लगा दिया, अब आप उसके बाद जो है 12 घंटे तक बना रहा है,
आप उसके बाद एक नाइट जाने के बीच में आप उसको यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम हमारे यहाँ छाछ बनने के बाद यूज करते हैं, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि छाछ बनने के बाद मतलब अभी ये दूसरी नाइट के बाद जो है जैसे उसमें खटास पकड़ती है ना, तब जाकर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ेगी। बिफोर दैट अगर आप यूज कर लेते हो तो बच जाते। बात इतनी सी। फ्रिज में रखने से बैक्टीरिया तो फ्रिज में रखने से टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। हाँ ये बात आपकी है कि टाइम बढ़ता है, लेकिन अब फ्रिज के बहुत बड़े प्रश्न है। हम कल फ्रिज की बात भी करेंगे क्या कि फ्रिज के कारण प्लस माइनस पॉइंट कितना है, तो वो भी आप सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन थोड़े से उसके अंदर टाइम का पीरियड जरूर बढ़ता है। मथेन वंदा मन साहिब जी। हां बोलिए साहिब जी। पुणे થી બોલું છું। हां આપણે છાસ કેટલા દિવસ રાખી શકીએ? આ 3 દિવસ બસ દહીં બના હે તો છાસ ઉસકે આપકો એક એક દિન મે યુઝ કરના હે જ્યાદા તો, લેકિન જ્યાદા સે જ્યાદા લોગ 3 દિન તક કી વાત કરતે હે છાસ બનને કે બાદ। ચાલે છાસ બનને એક રપ દહીં ઓર દૂસરે 3 દિન છાસ રખ સકતે। अच्छा हम बोलो बाहर थी जिमने વધારે પહેલા પૂછો। આ તો બધા પુનાના ને ઇન્ડિયન લોકો તો ज्यादा સાધુ સાધ્યો કે સંપર્ક માં આતે હે જાણતે હે સમજતે હે, તો બહાર વાળો કો થોડા ચાન્સ હે। અચ્છા ઓર એક પ્રશ્ન હે ઇસી ઇસી કા હે લેકિન અલગ અલગ તરીકે કા હે, ક્યુંકિ જો જૈસે કિ કોઈ ભી ફર્મેન્ટેડ ડ્રિંક્સ હોતે હે इंक्लूडिंग वाइन अल्कोहल सब फर्मेंटेड, तो इसी में आ गया ना, यही प्रिंसिपल है कि प्रिंसिपल प्राणाति पाप जीव हिंसा का ही है। बनाने की जो प्रोसेस है, जो फर्मेंटेड होगा बनाने की प्रोसेस होगी, उसमें जीवों की हिंसा बहुत बड़ी संख्या में, तो उसके बनने की प्रक्रिया वही है। आप अल्कोहल भी बनेगी, ड्रिंक्स भी आपके बनेंगे, तो वो तरीका जो है उसमें जीवों की हिंसा का प्रमाण बहुत बड़े पैमाने पर है, तो वो बनाने वाला यूज करने वाले सब उसके भागीदार बन रहे हैं। बात तो यही ना, आपको ये पहले देखना है कि जीवों की हिंसा कितनी हो रही है। इसलिए आप पाठ में समझ गए एगिन दिया बेइन दिया तेइन दिया चौरिन दिया पंचिन दिया, ये आपको सब अलग अलग जीव बताएं। अब इन जीवों को पहले पहचान लो, तब जाकर के उनकी हिंसा का आपको ख्याल आ जाएगा। ये आपने फर्स्ट प्राइज जीते ला माजिया। महाराज साहिब कैन आई टॉक? हाँ बोलो। हाँ महाराज साहिब मारू क्वेश्चन छे ने बहु बहुत डिफरेंट छे, बहुत वियर्ड छे। भगवाने परमात्माए आटलो बधो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम सुकम बनावी छे। आपणे कॉलेज मां स्कूल मां जईए तो आपणे करिक्युलम आपे के भाई तमे आटलो स्टडी करशो तो तमे फर्स्ट रैंक आवी जशे, के तमे आटलो भणशो तो तमने आवी रीते आवी जशे, તમે કંપનીમાં કામ કરો કે તમે આટલું કરો તો તમને યુ વિલ અચીવ, યુ વિલ બીકમ અ સીઈઓ ઇફ યુ ડુ ધીસ ધીસ ધીસ, સો વાય ઇઝ ધીસ સો કોમ્પ્લિકેટેડ? આઈ મીન આઈ એમ ફોલોઅર ઓફ જૈન રિલિજન અને આઈ રિયલી હેવ કમ્પ્લીટ શ્રદ્ધા, પણ સમ ડેઝ ઇટ ઇઝ વેરી ડિપ્રેસિંગ, કારણ કે મને એમ થાય કે હું આ કરું ઓલું કરું કેટલું, આઈ મીન સંયમ જીવન હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી, કારણ કે યુ આર વિધિન ધેટ ક્રાઇટેરિયા કે ધીસ ઇઝ હાઉ યુ હેવ ટુ ડુ, પણ સંસારી હોય તો ઇટ બીકમ સો કોમ્પ્લિકેટેડ. તો યસ યુ હેવ 12 વ્રત છે શ્રાવકના, પણ ઇટ ઇઝ સો ડિફિકલ્ટ ટુ ઇવન ફોલો ધેટ મચ, યુ નો શ્રાવકના 12 વ્રત. તો કેન યુ લાઈક તો બહુ સારું, તમે સંયમ લેવાનો વિચાર કરતા હો તો તમે એક્સેપ્ટ કરી લ્યો તો હમણાં આવી જાઓ. રેડી 101% હું હમણાં, આઈ ડોન્ટ કેર કોવિડ છે કે નહીં છે, આઈ વિલ કમ રાઈટ નાઉ. બહુ સરસ, સારી વાત છે.
આપણે આ બધા જોઈ રહ્યા સાંભળી રહ્યા છે, એક્સેપ્ટ કર્યું છે, તમે કાલે સંયમ લઈ લો, દીક્ષા લઈ લો, કલ્યાણ થઈ જાય. ચલો હવે વાત શું છે માજી, ઇટ ઇઝ નોટ કોમ્પ્લિકેટેડ. પહેલી વાત, યુ આર લિવિંગ ઇન યોર લાઈફ એન્ડ યોર લાઈફ સ્ટાઈલ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ થિંગ. તમને ફ્રી માઇન્ડ છે, બધું જ ખાવું છે, બધું જ પીવું છે, એઝ યુ લાઈક, વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. પરંતુ મહાવીર જ એક એવા છે, ઓનલી ધ જૈનિઝમ, કે જે આ બધામાં જીવ બતાવે છે. હવે તમને ઇઝી શું લાગે? ઇસ્લામ ઇઝ વેરી ઇઝી, કેમ કે એ બીજા કોઈમાં જીવ કહેતા જ નથી, માનતા જ નથી, એક્સેપ્ટ હ્યુમન બોડી. સેમ ધ ક્રિશ્ચિયનિટી, ઇટ સેઝ ઓનલી ધ હ્યુમન બોડી હેવ લાઈફ, ફરગેટ અબાઉટ ઓલ અધર લિવિંગ બિંગ્સ એન્ડ ક્રીચર્સ, દે હેવ નો લાઈફ એટ ઓલ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ દેટ, વોટ એવર યુ આર ઇટિંગ ગો હેડ એન્ડ ઇટ ઇટ, ડોન્ટ વરી અબાઉટ, થિંક ઓવર ઇટ, યે પાપ લગેગા ઓર પુણ્ય લગેગા ઓર ક્યા હોગા ક્યા, યે આપ આપકો યે ક્યો લગ રહા હૈ ઇઝી, લેકિન કલ જબ યે કર્મ બંધેગા ઓર નરક મે જાઓગે, તો ન તો બાઇબલ આ રહા હૈ, ન કુરાન આ રહી હૈ, ન જીસસ આ રહા હૈ, ન મોહમ્મદ આ રહા હૈ, ન કોઈ આપકો બચાને આ રહા હૈ. ફિર આપકો 5 કરોડ બરસ, 10 કરોડ બરસ નરક મે જો અભી આપને દેખા, વહાં હિસાબ ચુકાએંગે, તબ કોઈ જીસસ આયેંગે. યે આપ સન્ડે કો ચર્ચ મે જાતે હો, આર્ક બિશપ વહાં પર હૈ, if you are asking some questions, sir, I have committed the murder, to wo aapke liye bible kholega, oh the god is saying that you are all the children, god is the father of all, to god father ke roop mein aapko aakar ke kahenge, chalo bhai aapka sab paap maaf kar diya, to ho gaya kya maaf? Nahi. Ab koi bole ki bhai ek maa khadi hai, usne jaakar bola mere bete ko isne mara hai, મેરા બેટા મર ગયા, મેં તો અકેલી હું, મેરે કોઈ નહીં હૈ. અબ મેરે બેટે કો મારને વાલે કો જીસસ કૈસે માફ કર સકતા હૈ, મોહમ્મદ અલ્લાહ કૈસે માફ કર સકતા હૈ ઉસકો, મેરે બેટે કો ઇસને મારા હૈ, મેરા બેટા હૈ, મેને ભી તો 9.5 મહિને ગર્ભ મે રખ કર જન્મ દિયા હૈ, તો વો ક્યા એક્સેપ્ટ કર લેગી ક્યા? ઓર કિસી કે જીસસ કે કહેને સે ઉસકા મર્ડર કા પંચેન્દ્રિય મનુષ્ય કી હિંસા કા પાપ મિટ ગયા ક્યા? તો કલ ઉસકો જબ ભુગતના પડેગા, હિસાબ ચુકાના પડેગા, તબ નરક કે અંદર 10 કરોડ બરસ કોણ ચુકાએગા? તો યે પહેલે આપ એક બાર સ્ટડી કર લો, ઓર ઇતને સબ જીવ, ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ લિવિંગ બીંગ્સ, ઓલ ડિફરન્ટ ટાઇપ્સ ઓફ લિવિંગ બીંગ્સ, વન્સ યુ વિલ એક્સેપ્ટ, વન્સ યુ વિલ સ્ટડી અબાઉટ ધેમ, એન્ડ ધેન યુ વિલ લીવ યોર લાઈફ, ઇટ વિલ બી વેરી ઇઝી ફોર યુ. ભાઈ હમ ભી તો સંસાર મેં જી રહે ના આજ, और कई व्रतधारी श्रावक श्राविका भी तो जीवन जी रहे. आपको बॉइल करके पानी पिया और आपने कच्चा पानी पिया, आपको क्या तकलीफ है? आपने एक बार बॉइल करके पानी पिया, आपको दिन भर में पीना कितना है? 2-4 लीटर ही तो पीना है, तो आपको तकलीफ कहाँ हो रही है? आपको अपने घर में आप आटे की रोटी बना करके खाओ और आप मैदे के ब्रेड ला करके खाओ, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? પેટ ભરના હૈ, હમને ઇસસે પેટ ભર લિયા, તો આપને બ્રેડ નહીં ખાયા, તો ઉસકે પીછે જીતને જીવો કી હિંસા હુઈ, ઉસસે આપ બચે, આપને ઘર મે આટે કી રોટી બના કર ખાય, આપકો યે પ્લસ પોઈન્ટ કા ફાયદા હૈ. હાઉ ટુ લીવ અ બેટર લાઈફ, બટ ફોર ધેટ વન્સ યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધેટ ધીઝ આર ઓલ ધ લિવિંગ બીંગ્સ, ધીઝ આર ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધ લિવિંગ બીંગ્સ, ફોર માય ઓન પર્પસ, વાય શુડ આઈ કિલ અધર્સ? तो भगवान ने क्या किया है, जीव दया का धर्म बनाया है, जीव रक्षा का धर्म बनाया है. अब दूसरा कोई धर्म इसमें इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो लोगों को सबसे इजी वही लग रहा है. लेकिन अब आप इस्लाम के अंदर जाकर कुरान में पूछो, भाई दोजख क्या है और जन्नत क्या है, तो वो भी तो दोजख की बात तो कर रही है. एंड सेम थिंग द बाइबल सेज अबाउट द हेल एंड हेवन, सो व्हाई ही सेज अबाउट द हेल, why the hell is existing, and why if the god is just forgive all the things, so why the living beings are going in the hell and they are feeling all the punishment there? ab unko bhi to dukh ho raha hai na wahan par. to mahavir keh rahe hai ki dekho main maaf karu ya nahi karu usse koi matlab nahi, aapko paap kiya hai, jeev hinsa hui hai, to karma banda hai, to karma ka phal bhugatna padega. mahavir swami to moksh mein gaye, अब वो वापिस आपके लिए आएंगे क्या? वो तो वापिस आते नहीं है. अब पाप करने वाला जो है वो कर्म का फल भुगतेगा.
तो बेटर टू सेव अवर ओन लाइफ, हम ये समझ करके हम जान लें तो कल हम ही उन जीवों को बचा और हम भी बचेंगे, हमारा नरक में जाना ही नहीं होगा। धर्म है किस लिए, धर्म की व्यवस्था किसके लिए की है भगवान ने, भाई आपकी दुर्गति न हो इसलिए धर्म बताया है। क्या लाए शास्त्र में क्या दिखाए, दुर्गति प्रपथ जंतुन धारणा धर्म उच्चते, जो कल दुर्गति में जाए उसकी दुर्गति से उसको बचाए वो धर्म है, ये बात यहाँ पर कही है। तो इसको आप एक्सेप्ट करिए, बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होगा। बोलो अबे नक्की कर दो माँ जी, आपने दीक्षा आपी है, तमने साध्वी बनावी दी है, बहुत सरस पहलो प्रश्न। बस तमे क्यों कह रहे आवी जाओ आजे आपने काल ऊपर राखो ज नथी विजय भाई, बाय बाय। कल का भरोसा क्या है, कल कौन जीवित रहेगा कि नहीं, कल किसने देखा है, यहाँ रोज कोविड में मर रहे हजारों की संख्या में। राइट राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। महाराज साहब रिलेटेड एक क्वेश्चन एक छे, जे छोड़ आवी रीते कीधो के आ मार्ग जे आपणो 14 गुणस्थानोनो मार्ग छे बहु लांबो छे, एक एक आटलो टाइम जाय छे, मने तो काई शॉर्टकट जोई छे, के आवू लोको करे छे ने इच्छा होय ज छे, कारण के मेहनत तो छे ज, पोते मेहनत तो करवी पड़े छे। तो ए मारा फ्रेंडे मने कीधु के ભાઈ અહીંયા જૈનમાં જ એક અક્રમિક માર્ગ મળ્યો છે, આ ક્રમ વાળો તારો 14 ગુણસ્થાન માર્ગ કરતા અક્રમિક નવો આવ્યો છે, એમાં આપણે જોડાવું જોઈએ। મેં કીધું જો અક્રમિક માર્ગ કેવળ જ્ઞાનીએ જોયો હોત તો આગમમાં મેન્શન કેમ નથી કર્યો, કેવળ જ્ઞાન એમના એમના જ્ઞાનમાં એમને બધું દેખાય, ક્રમિક દેખાય ને અક્રમિક દેખાય કે શોર્ટકટે દેખાય, બધું દેખાય, તો આ આગમમાં કેમ ના આવ્યું, અને એવું કેમ કરે ભગવાન કે તને લોંગ લોંગ મને લોંગ આપ્યો ને તને શોર્ટ આપ્યો, એવું તો થાય નહીં। એટલે આનું કઈક આપણે ખુલાસો કરો કે અક્રમિક માર્ગ શું છે ને એવું કઈ છે ખરું આપણા જૈન ધર્મમાં। પહેલા તમે એમનું જે છે બને કઈ બુક તમે આપો, હું અહીંયા સ્ટડી કરીને નેક્સ્ટ ટાઈમ તમને કહું એમાંથી। ના એટલે એમાં અક્રમિક માં સ્ટડી બી કરવા જેવું નથી, એ કે છે આ દાદા ભગવાન નું જે એક પંથ હાઈલો છે એ અક્રમિક માર્ગ છે, અને એમાં શું છે કે તમારા પાપ ઇમિડિયેટલી ધોવાઈ જાય છે, એટલે આ મેં કીધું કેવી રીતે હોય શકે। કાકા એવા કોઈ શોર્ટકટ નથી કે પાપ તમારા ઇમિડિયેટ ધોવાઈ જાય, आप पहले ये सोचिए महावीर स्वामी 18वें भव में जो पाप करते हैं वो 19वें भव में 7वें नरक में जाते, अब वो 7वें नरक में 33 सागरों पम का कर्म फल है, फिर आप इस पास से निकलेंगे, फिर आएंगे 20वें जन्म में 21वें जन्म में 4थी नरक में जाएंगे, तो 33 सागरों पम ये लास्ट बाउंड्री की लाइन है, लास्ट लिमिट है, तो उसमें शॉर्टकट महावीर स्वामी ने किया क्या, कोई शॉर्टकट महावीर स्वामी पण करी शक्या नथी। तो जब कर्म इतने बड़े बांधो, पाप इतना ज्यादा करो, पाप से कर्म इतनी लंबी लाइन के टाइम के बढ़े, और फिर आप बोलो कि शॉर्ट में भुगत जाए, ये कैसे पॉसिबल होगा, तबे पाप करवामां शॉर्टकट केम नथी करता, पाप के अंदर बचने के लिए पहले आप इसमें शॉर्टकट करिए तब आपको फायदा है आगे। તમારા આત્મા પાપ કરવું તો આપણા આત્મા છે ને, આપણે કરવું ન કરવું, કયા જીવનું પાપ કરવું કયા જીવનું ન કરવું, એ હિંસા કરવી ન કરવી એ આપણા આત્મા છે, તો પહેલા એમાં તમે શોર્ટકટ કરો, પછી કર્મના ફલ ભોગવવાની અંદર શોર્ટકટ નથી થતો। મહાવીર સ્વામી કે સામને શ્રેણીક મહારાજા કા જીવ આજ પહેલી નરકમાં હે કે નહીં, ગયા કે નહીં, શ્રેણીક મહારાજા નો જીવ મહાવીર સ્વામી ની સામે જ હતો ને એ પણ પહેલી નરક માં ગયા, હવે ત્યાં 84,000 વર્ષ નો હિસાબ એમને ચૂકવવાનું છે, એટલે કાકા તમે 84,000 વર્ષ નો 84 દિવસ માં પૂરું થઈ જાય ખરું, ખાલી 84,000 વર્ષ નો 84 દિવસ માં, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ। બોલના બહુત આસાન હૈ, મેને આપકો કહા કે જીસસ ચર્ચ કે અંદર કહે રહે, वो आर्थ बिशप बाइबल खोल के कह रहे जा बेटा तेरा पाप माफ कर दिया, तो अबे जे जीव मर्यो छे एनु शुं, तो कोई नरक मां जाए नहीं ने कोई भोगवे नहीं पछी, तो
लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं। और ये 14 गुणस्था का जो है ये मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। जितले कर्म प्रकृति खपावो इतले एक गुणस्थान आगल बढ़ो। आपने थोड़ी और कर्म प्रकृति ज्यादा घटाई तो थोड़े और आगे बढ़े, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। ये तो सबके लिए है साहब, बहुत अच्छा है सब। पर आपने समझ सो डिटेल समझा इस भरी थी समझा। बोलो, टाइम कम है थोड़ा। મારા સાહેબ થોડા ચેટમાં બે ત્રણ ક્વેશ્ચન આવ્યા છે, હા જી મેં પૂછતી હું। દૂધ મે જીવ પલતે હૈ મક્ખન અભક્ષ કિસ લિયે હૈ ઓર ઘી મે જીવ હોતે હૈ પલતે હૈ ઓર ઉસકા ઉપયોગ કહાં તક ઉચિત હૈ। દૂધ કા માવા ભી કુછ સમય બાદ અભક્ષ બનતા હૈ તાકિ બજાને પર ભી હિંસા હોતી હૈ, તાલી બજાને પર ભી હિંસા હોતી હૈ, वो वायु का एक जीव की हिंसा गिनी जाती है। एक ये पीयूष शाह जी ने क्वेश्चन पूछा है और उसी के साथ में एक दही का जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया है कि जो सुनीता झवेरी जी ने पूछा है कि जो दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर एकाशना बेयाशना में कैसे वापर सकते हैं। अब एक-एक करके समझिए आप। पहले आपकी श्रावक की जो लिमिट है और साधु का जो व्रत है उसका मैं एनालिसिस कल बाद में करूंगा। आपको पहले एक एक करके समझना है कि जिन तरह से जिन जीवों के बारे में हम समझ रहे हैं, पहले उसका जीवों का प्रमाण समझिए। आपने बोला कि भाई मैंने अभी आपको ये बताया दही, दही 12 घंटे के बाद आपको भक्ष्य है और फिर 24 घंटे के बाद अभक्ष्य है। तो एक दिन ही आपके हाथ में बचा बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर। अब आपको अगर एकाशना व्यासना करना है तो आप उस काल का दही वापरेंगे चलेगा। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है द्विदल का कि वहां द्विदल के जीवों की हिंसा कैसे होती। जब आप एकाशना व्यासना करते हो तो थाली के अंदर दाल है, कठोल है, मूंग है, चना है, सब्जी है, दाल है, तो साथ में दही नहीं खाएंगे। या तो बेटर है कि दही गर्म कर लो और बाद में आप इसके साथ होगा तो अब जो है उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगा, जीवोत्पत्ति नहीं होगी। या आपको बिना गर्म किए खाना है तो आपका भोजन हो जाए, मुंह साफ कर लो, अब उसमें किसी का जो भी है उत्पत्ति नहीं होगी, आप अलग से खाओ। क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो 97 डिग्री तक है तो आपके पेट में जाने के बाद उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन बाहर आप मिक्स करोगे तो होगा। किसके साथ? दूध भी कच्चा दूध है। तो अब आपने कहा दूध के अंदर की बात आई, अब ये दूध जो है निकाला, अब ये दूध अंदर जो भी आपने सुबह 5 बजे जो है आपने दूध निकाला, अब इसको क्या करना है, विदिन 48 मिनट्स आपको इसको बॉईल करना है। नहीं, आप अभी दूध निकाला है वहां तक कुछ नहीं है, लेकिन आफ्टर 5 AM अब आपने इसको तुरंत जो है बॉईल कर दिया, तो यही दूध अगर ये बॉईल दूध है, अब इसके अंदर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ जीवोत्पत्ति नहीं होगी। लेकिन ये अगर आपने गर्म नहीं किया है तो आफ्टर 48 मिनट्स उसके अंदर जीवोत्पत्ति बहुत बढ़ जाती, बहुत बढ़ जाती। तो इसलिए हम क्या कि इसको बोलते हैं कच्चा दूध। अब कच्चा दूध हम नहीं रखते हैं, जैसे ही दूध आता है तुरंत बॉईल करते हैं। अब सिस्टम ये हो गया कि डेयरी में से आपके यहाँ आएगा वहां तक तो एक दिन लग जाएगा, तो बिफोर उसको जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख करके आपको देते हैं। तो ये हमारी वो व्यवस्था नहीं है, यहाँ आपको ये दिया है कि आप इसको जो है विदिन 48 मिनट आपको बॉइल करना जरूरी है, सबसे बड़ी मुख्य बात। अब मान लो दूध में से मावा बनाया, तब दूध में से मावा जो बना तो उसका पानी जला दिया और पानी जला करके मावा बंद करके उसको ज्यादा सेक करके थोड़ा कड़क कर दिया हमने, तो दाने दाने पड़ जाएंगे। अब उसकी स्वीट बनेगी तो उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, जीवोत्पत्ति नहीं होगी। ये उसका बेसिक नियम जो बताया है वो ये है। तो आप समझ सकते हो जब दूध आपको यूज करना है तो इस तरीके से बॉईल ही यूज करेंगे।
आपने देखा दही की अगर छाछ बनती है तो आप बेलोना करते हो तो उसमें एक फ्रिक्शन हीट तैयार होती है, फिर उसके बाद जो है उसको हम उपयोग करते हैं। अब रही बात मक्खन की, अब मक्खन जब तक आपने फ्रिक्शन हीट से दूध तैयार छाछ को बिलोना करके मक्खन निकाला, अब वो जहां तक छाछ में वहां तक कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन जैसे उसको सेपरेट कर दोगे टेम्परेचर बदल जाएगा, छाछ अलग हो गई मक्खन अलग हो गया। तो हमारे यहाँ पर जानकार महिलाएं जो है वो थोड़ी सी छाछ के साथ ही लेकर के कढ़ाई में गर्म करती है। अब जीवोत्पत्ति नहीं हुई है बिफोर उसके मक्खन गर्म हो जाएगा, दो छाछ में पानी है तो जल जाएगा। अब वो मक्खन कन्वर्ट होकर के घी बन गया, अब घी पूरी तरह से पूरा बॉइल होकर के तैयार हुआ है, अब उसमें कोई जीवोत्पत्ति 12 महीने में नहीं होती, ये उसका तरीका बताया है। तो बहुत अच्छा साइंस है ना, ये भी जैन धर्म के अंदर जब इतने जीव माने हैं तो उसी के हिसाब से जीवों की रक्षा के भी उपाय हमने स्वीकारे हैं, और जीवों की हिंसा से बचने आए तो बचने के लिए बहुत आसान तरीके, हमारी मम्मी घर में माता जी समझती है वो इसी तरीके से तैयार करती है, तो किसी को पता ही नहीं, बच्चों को खिलाती भी है पिलाती भी है पूरे घर को, किसी को जीव हिंसा का दोष ही नहीं लगता है, बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है। आप एक बार प्रोसेस समझ जाओगे, जीवों को समझ जाओगे, फिर आपके लिए जैना पालना बहुत आसान हो जाता है। हाँ जी बोलिए। हाँ टाइम बहुत कम है, बोलिए जल्दी। हमारे साहब अच्छा थे, दो क्वेश्चन आए जो ऑलरेडी मैंने बताया है कि वो कवर हो चुके हैं पहले के दो सेक्शन में, तो मैंने लिंक भेज दिया है कि आप वो वीडियो देख लो, तो कंदमूड का जो वीडियो था हमारा वो देख ले, तो उसमें हर्दर क्यों ड्राई खाया जाता है वो सब वगैरह वगैरह जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो में से मिल जाएंगे उनको। आपके लिए बहुत सब व्यवस्था की है इन्होंने एल्सा बहन ने, कि पहले के लेक्चर्स जो हुए तो उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आप जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो उनको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, एक बार वो भी देख लो तो आपके क्वेश्चन उसमें से क्लियर कर लो। मैं फिर वापस थोड़ा सा आगे और समझाने की कोशिश करूंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अभी इसमें आज जो पॉइंट चल रहा है, अभी तो हमने आज बहुत कुछ प्रकार जीवों के जो समझाए और खाने पीने की कई चीजें हैं वो आपको समझानी है, कल फिर समझाएंगे, कल 8 बजे रात को है, क्योंकि आप सैटरडे संडे दो दिन के लिए क्लासेस ले रहे हैं तो दोनों दिन आपको अध्यक्ष सब्जेक्ट, तब तक आप अपने क्वेश्चन निकाल के रखिए ज्यादा फायदा, और आप लोग सब ग्रुप में जुड़िए इनके साथ में, और ग्रुप में भी आपके क्वेश्चन आप पहले से भेज दो तो भी आपको ज्यादा ठीक रहेगा। एक प्रश्न उठो छे सर, જે આપણે ફર્મેન્ટેડ લિક્વિડ્સ નું વાત કર્યું, હવે ભૂલથી થઈ ગઈ કે આપણે આલ્કોહોલ લઈ લીધું તું પડ્યું છે કેટલા વખત થયા, હવે ખબર પડી કે હવે આ તો ખોટું છે, આટલા જીવો એમાં પડેલા છે, હવે એને ડિસ્પોઝ કેવી રીતે કરવું, પીવાય તો નહીં, બારે નાખીએ તો આ જીવો પર જે બારે આપણે શું કહેવાય પેલામાં નાખીએ તો જીવો મરે, એટલે કેવી રીતે એનું ડિસ્પોઝલ થાય? તો બંને કી પ્રોસેસ મેં જીવ મર ચુકે હે, ख्याल है अब आपके ये हो गए तो मिट्टी में डाल दो, कहीं पर गार्डन में आप इसे डाल लोगे, अब आप पहचान कर लो कि मुझे नहीं पीना है तो आपके लिए परमानेंट भी फायदा है। हमारा तो ये बहुत अच्छा है ना कि कोई भी भागशाली पहचान करके धारणा कर ले तो वो बच जाएंगे आप, ये मेहनत है किसके लिए, ये आप लोग पाप से बचो इसी के लिए तो ये प्रयत्न है। ये माता जी तो बिल्कुल संयम स्वीकारने के लिए तैयार हो गए, और आप तो अपनी तरफ से ये पहचान ले लो कि भाई कल जाकर के ये चिंता नहीं कि पड़ा है तो आप मिट्टी में डाल लोगे एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको चिंता ही नहीं करे, और जब तेज धूप हो उस समय 12-1 बजे के टाइम में मिट्टी में डालो तो बहुत जल्दी जो है वो सॉफ्ट जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। मिट्टी में तो जीव बड़ा पड़ा छे एना ऊपर वो अल्कोहल नाखू तो मारवानो छु ना? नहीं नहीं आप जो बचे है ना, अब जो सॉइल आप यूज कर रहे हो जहां पर आप आना जाना होता है और तेज धूप है तो बिल्कुल फटा से हो गया, वाइपर हो जाएगा। हाँ बोलिए। हमारे से बढ़िया हाँ बोलो।
કવર થઈ ગયા છે. એક ખાલી ક્વેશ્ચન છે યશ પટેલ નો કે સનસેટ પછી સનસેટ કે બાદ પાણી બોઇલ કરને સે ઓર સનસેટ સે પહેલે બોઇલ કરને મે કુછ ડિફરન્સ હોતા હે ક્યા? હા જી, હમારી સારી ક્રિયા આફ્ટર સનરાઇઝ હે ઓર સન કે ડે ટાઈમ મે હે ઓર સૂર્યાસ્ત કે બાદ હમ લેંગે કલ વિષય રાત્રિ ભોજન કા તો વો તો વૈસે ભી હમકો અવોઇડ કરના હી હે. ख्याल है कि नहीं? हम सब पूरा ही टाइम रात और दिन सब खाने में बिताएंगे तो आप अपनी धर्म साधना कब करोगे साहब? रात्रि भोजन में क्या दोष है, कैसे दोष है, वो भी आपको कल समझना है. आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं जो है ये टीचिंग मेथड से सिखा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्लैक बोर्ड. आई एम गिविंग सम डायग्राम्स आल्सो. तो आप कल से क्या कि कॉपी पेन लेकर बैठिए और फिर आप ही उसमें साथ में लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, रफ कर लिए, फिर बाद में उसको फाइनल करना. तो आपके लिए एक स्टडी बन जाएगी. मतलब कहने का ये है, फिर रिकॉर्डिंग तो है ये ठीक है, लेकिन आप खुद मेहनत करोगे, थोड़ी स्टडी करोगे तो फायदा होगा. ये आपको समझाना है, समझे कि नहीं? तो ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल आएगा. हाँ करो, मंगलिक करो, बोलो. हाँ धर्म लाभ हो, बहुत आशीर्वाद. ગુરુજી, આપણે દૂધ થી એક વખત ગરમ કરીને ફ્રીજ માં મૂકવું હોય પછી સવારે કાઢીએ તો કાચું કહેવાય કે પાકું કહેવાય? એટલે કાચું થઈ ગયું માજી, આપણે ગરમ કર્યા પછી ફ્રીજ માં મૂકવાની જરૂરત જ નથી. શું? હા, હવે આપણે કઈ ગરમ કર્યા પછી પાછું ફ્રીજ માં જ નહીં મૂકવું. ગરમ કર્યું ફ્રેશ વાપરી લો, ગરમ ગરમ બહુ ફાયદો થઈ ગયો. એમ નહીં, બીજે દિવસે સવારના વાપરવું હોય તો? તો બીજા દિવસે ફ્રેશ લાવો ને, બીજો રોજ મળે છે. અચ્છા અચ્છા, હા બોલો. છે કોઈ દે પ્રશ્ન? નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોએ સર્વ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો સર્વ પાપ પ્રણાશણો, મંગલાણમ ચ સર્વે સિમ પરમં હવૈ મંગલમ. મંગલમ ભગવાન વીરો, મંગલમ ગૌતમ પ્રભુ, મંગલમ સોલિભદ્રાદ્યા, જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. ચત્તારિ મંગલમ, હરિહંતા મંગલમ, સિદ્ધા મંગલમ, સાહો મંગલમ, કેવલી પન્નતો દમ્મો મંગલમ. ચત્તારિ લોગોત્તમ, હરિહંતા લોગોત્તમ, સિદ્ધા લોગોત્તમ, સાહુ લોગોત્તમ, કેવલી પન્નતો દમ્મો લોગોત્તમ. ચત્તારિ શરણમ પવજ્જામિ, હરિહંતે શરણમ પવજ્જામિ, સિદ્ધે શરણમ પવજ્જામિ, સાહુ શરણમ પવજ્જામિ, કેવલી પન્નતમ ધમ્મમ શરણમ પવજ્જામિ. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ, સર્વ કલ્યાણ કારણમ, પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણમ, જૈનમ જયતિ શાસનમ. બોલો મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. ધર્મલા બહુત આશીર્વાદ હા સબકો. હા કલ ફિર રાત કો 8 બજે, કલ સન્ડે હૈ, એટ 8 PM, ઓર કલ સુબહે 6 to 8 બજે તક હૈ. કિનકો જૈન ફિઝિક્સ ઓર મેટા ફિઝિક્સ મે ઇન્ટરેસ્ટ હો તો આપ જરૂર સુન સકતે હો. सेकेंड है 9:30 to 10:30 AM, उसमें भी जो है देवचंद्र 24 और आनंदगंज जी 24 चल रही है. फिर वापस थर्ड है 11 AM to 12 PM, वो है जैन कर्म फिलोसॉफी. आपको ये एल्साबेन सब डिटेल भेज रहे हैं, लिस्ट भी भेज रहे हैं और प्ले लिस्ट इन्होंने दिया है, तो आपको सबको मिल जाएगा. आप ये मेडिटेशन के क्लास में भी जुड़ेंगे एवरी थर्सडे 8:30 PM, तो उसमें भी आपको अच्छी तरह से मेडिटेशन में नवकार की साधना चल रही है, अलग अलग प्रयोग आप सीख सकोगे, समझ सकोगे. और ये तो स्टडी जो सैटरडे संडे की है,
तो ये तो स्पेशली आपके लिए और वो भी खासकर आउट ऑफ इंडिया वालों के लिए व्यवस्था रखी है, लेकिन यहाँ के भी लोग जुड़ रहे हैं, तो जिनको जिनको इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है। आप इनके साथ एक हमने विरालेम जैन स्टडी ग्रुप बनाया, साथ में जुड़िए और ये आपके लिए स्पेशल ग्लोबल क्लासेस चालू किए। तो ये व्यवस्था बनी है कि आपको हिंदुस्तान से साधु महाराज डायरेक्ट वहां सिखा रहे, ये और भी आपके लिए प्लस पॉइंट फायदा है। तो आप जितने लोग जुड़ सको उतना प्रयत्न करना सा। बहुत धर्मलाल, बहुत आशीर्वाद। हाँ चलो धर्मलाल।